श्री राधा राधा कांत जी की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 31। विशुद्धया धारणया हता शुभः तदीक्षयैव सुगतायुधश्रमः तदीक्षयैव सुगतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्री भीष्म उवाच। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि जद्भव प्रवाहः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णम् रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या जुधितुरगरजो विधुम्र विश्वाक् कचलुलित समवार जलं कृतास्ये मम निशित सरैर विभिद्यमान त्वचि। बिलसत कवचेस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा हितवति पार्थ सखे रतिर ममास्तु व्यवहित प्रीतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधाद् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यः चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। विशुद्धया धारणया हता शुभः
विशुद्धया धारणया हता शुभः तदीक्षयैवा सुगतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्री कृष्ण के रूप और लीला की धारणा करके करने से हता शुभः, जिनका समस्त अमंगल नष्ट हो गया था, तद इच्छया एव, जिस समय भगवान कुरुक्षेत्र में आए और भीष्म पितामह के पास पहुँचे, तो भीष्म पितामह के अंगों पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ते ही आसु तत्काल गतायुध व्यथः, शस्त्रों के आघात से शरीर में जो पीड़ा थी वो पीड़ा बिल्कुल बीत गई, सर दर्द समाप्त हो गया। निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः, और भगवान की करुण दृष्टि से ही भीष्म पितामह की समस्त इंद्रियों की वृत्तियां, इंद्रिय वृत्तियों का भ्रमण समाप्त हो गया है। तुष्टाव, और वे स्तुति करने लगे। जन्यम, देह को विसृजन, छोड़ने की इच्छा से। जनार्दनम, जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं उनकी। श्री भीष्म उवाच, श्री भीष्म पितामह ने कहा, इति, मेरी आयु के समाप्ति समय में, मति ही, मेरी बुद्धि, उपकल्पिता, समर्पिता है, मैंने अपनी मति को समर्पित किया है, कर रहा हूँ, वितृष्णा, जो सब प्रकार की कामना से शून्य है, ऐसी मति को, भगवती, भगवान में, सात्वत पुंगवे, जो जदुवंश में शिरोमणि हैं उनमें, विभुमनी, जिनसे महान कोई नहीं है, स्वसुख मुपगते, जो अपने ही आनंद में निमग्न रहते हैं, क्वचित, कभी कभी, विहर्तुम, विहार करने के लिए, प्रकृतिम, अपनी बहिरंगा माया शक्ति को, उपेयसी, स्वीकार करते हैं, दृष्टिपात के द्वारा कार्य क्षमता देते हैं उनमें, जड़, जिस प्रकृति के द्वारा, भव प्रवाह, भव प्रवाह प्रारंभ होता है, सृष्टि परंपरा चालू होती है। श्रील शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, शांति से सुनना चाहिए, और बीच में किसी को माल्यार्पण नहीं किया जा सकता, कथा के बीच में जब तक कथा बंद नहीं होती है तब तक किसी को माला नहीं पहनाना चाहिए, न किसी को उधर आने देना चाहिए स्टेज पर, ये कथा की मर्यादाएं हैं।
स्टेज पर नहीं, कोई आवे तो वहीं से माला रख दे, कथा के बाद माला पहना, ये नियम है कथा में। जिसको माला पहनाना हो पहले ही पहना देना, नहीं अभी नहीं, अब कथा चालू होने वाली है, रोज की बात कह रहा हूँ। कथा प्रारंभ होने से पहले माल्यार्पण स्वागत करना चाहिए, कथा में नहीं, न तो वक्ता को न तो श्रोता को। वक्ता का काम है बोलना और श्रोता का काम है सुनना। सुनने में कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए, किसी के स्टेज पर आने से अवरोध होता है, विक्षेप होता है। तो शुद्ध गोस्वामी इसके पहले यह वर्णन किए हैं कि धर्मों पर प्रवचन करते करते वह काल आ गया जिसे विद्वान लोग उत्तरायण कहते हैं, और मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले, अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले भक्त जन, योगी जन जिस काल की प्रतीक्षा करते हैं, उत्तरायण काल आ गया। तो उस समय भीष्म पितामह अपनी बिखरी हुई वाणी को समेट लिए, वाणी बिखरी थी, अनेक विषयों का वर्णन कर रहे थे, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म आदि अनेक प्रकार के धर्मों का निरूपण कर रहे थे, लेकिन इस बिखरी हुई वाणी को समेट लिए। यहाँ समेटने का अर्थ है अब दूसरा कुछ बोलना बंद कर दिए, केवल भगवान के विषय में बोलेंगे। तो शुद्ध गोस्वामी एक बहुत ही अच्छा शब्द उनके लिए दे रहे हैं, सहस्रणी। सहस्रणी का अर्थ है सहस्र रथियों को अपने बस में रख। जो महान धनुर्धर या महारथी हजारों रथियों को अपने कमांड में रखता है, तो उसको सहस्रणी कहते हैं। सहस्रणी का अर्थ है सहस्र वाला, हजार वाला। तो जिस प्रकार भीष्म पितामह हजारों रथियों को अपने नियंत्रण में रखते थे, तो इस तरह से उन्होंने अनेक विषयों में फंसी हुई वाणी को एकाग्र कर लिया और भगवान की धारणा किया। क्या धारणा किए? कृष्ण में अपनी वाणी को, अपनी मति को लगा दिए, मन को लगा दिए भगवान कृष्ण में, जो वहीं पर थे और भीष्म पितामह के पास खड़े थे। भीष्म पितामह का आग्रह सुन करके भगवान वहीं परम प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे। श्री कृष्ण आदि पुरुष है, कहा गया है विमुक्त संगम मन आदि पुरुष है, आदि पुरुष समस्त विश्व के जन्मदाता हैं श्री कृष्ण। सबका प्रारंभ कृष्ण से होता है। हरे कृष्ण। भगवान का ही चिंतन करता था, लेकिन यहाँ धारणा का अर्थ है जिन विषयों का वर्णन कर रहे थे, तो अनेक दृश्यों का उन्हें स्मरण हो रहा था वर्णन करने में, वहाँ से मन को पूरा समेट लिए और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्री विग्रह में, स्वरूप में अपने मन को अस्थिर किए। इसको धारणा कहते हैं। मन को चारों ओर से हटा करके जब भगवान में लगाया जाता है तो इसको धारणा कहते हैं। विशुद्ध धारणा थी उनकी। विशुद्ध का यहाँ अर्थ है एक तो अनवरत, ऐसा नहीं कि बीच बीच में और का भी स्मरण हो जाए। अगर बीच में और चीज़ों का स्मरण होता है तो धारणा है, लेकिन विशुद्ध धारणा नहीं है।
विशुद्ध धारणा का अर्थ है कृष्ण के अतिरिक्त या कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त अन्य की कोई स्मृति नहीं हो रही थी। तो इस विशुद्ध धारणा से क्या हुआ, भीष्म पितामह का अशुभ नष्ट हो गया। अशुभ का क्या अर्थ है, अशुभ का अर्थ है अन्य विषयों में मन का चले जाना, उनके लिए यही अमंगल था। युद्ध के समय में भी चित्त जाता था युद्ध करने के लिए, और इस समय भी जो वर्णन कर रहे थे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयों में मन का जाना, चाहे वो किसी तरह से वर्णन करने के लिए या शिक्षा के लिए या सत्संग में भी अगर अन्य बातों का वर्णन होता है तो अमंगल है। तो उनका अमंगल नष्ट हो गया, उनका मन निर्बाध गति से भगवान में लग गया। इसीलिए आगे कहा गया है कि विमुक्त संगम मन, उनका मन मुक्त हो गया। विशुद्ध धारणा से जब आदमी भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है तो ध्यान इतना आनंदमय होता है कि उसका मन सुख का अनुभव करके अन्य विषयों में जाता ही नहीं है। और धारणा कोई मानसिक नहीं कर रहे थे, सामने भगवान थे, अतः धारणा करने में उनके मुस्कुराते मुख को देखना, उनके अलक को देखना, कुंडल को, चार भुजाओं को, पीताम्बर को, इसके लिए बहुत कठिन काम नहीं है धारणा करना। यही है, एक तो विशुद्ध धारणा का अर्थ हम लोगों के लिए अर्थ है कृष्ण की धारणा, लेकिन भीष्म पितामह का की विशुद्ध धारणा जो है वही है कि अनवरत विशुद्ध धारणा थी। कहाँ धारणा किए थे, कृष्ण में लसत पीत पट में, परम सुंदर भगवान कृष्ण में जो आनंद घन है, परब्रह्म है उनमें, और जो बहुत ही सुंदर पीताम्बर पहने थे उनमें, जिनकी चार भुजाएं हैं उनमें, और वो भी पुरस्थित सामने ही जो हैं, कोई कल्पना नहीं करना है मन को दौड़ा कर के भगवान का चिंतन करें सामने हैं। तो ये उसमें विशुद्ध धारणा हुई, विशुद्ध धारणा से उनका अशुभ अमंगल नष्ट हो गया, और उनकी दृष्टि पड़ते ही जब ही भगवान आए कुरुक्षेत्र में तो भीष्म पितामह पर बड़े स्नेह से देखे, जानते हैं सर्वज्ञ ईश्वर की इनके शरीर में बहुत पीड़ा है, बाण धसे हुए हैं, तो भगवान उनके चरण पर, हाथ पर, मुख पर सब दृष्टि डाल रहे थे, और उनकी दृष्टि पड़ते ही सारा आयुध व्यथा अस्त्र के कारण जो व्यथा थी वो समाप्त। आंसू, शुद्ध गोस्वामी कहते आंसू का अर्थ तुरंत, दृष्टि पड़ते जाना, दर्द समाप्त। ये भगवान के दृष्टि की विशेषता। हम लोग पढ़ते हैं कि मछली एक ऐसा जीव है जो अपने अंडे को स्नेह भरी दृष्टि से देख करके पोसती रहती है, अंडे बढ़ते हैं उसके देखने से। तो जब एक प्राकृत जीव में ऐसी स्नेह की शक्ति है तो फिर सच्चिदानंद घन परब्रह्म भगवान स्नेह से जिसको देखें उसका देह का दर्द खत्म हो जाए, कौन बड़ी आश्चर्य की बात है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तद इच्छया तस्य श्री कृष्ण से इच्छया दृष्टया सुधा दृष्टया उनका आयुध श्रम सब चला गया, दुख चला गया, शरीर में बाण निकाला नहीं गया है। ऐसा नहीं था कि भगवान कहीं से एम्बुलेंस मंगा करके और ले जाए, हॉस्पिटलाइज करें उनको तब दर्द जाएगा, बाण सज्जा पर ही सोए थे, लेकिन वो सज्जा कुसुम की सज्जा के समान हो गई भीष्म पितामह के लिए, विरोचित सज्जा थी। ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि जब भीष्म पितामह गिरे युद्ध भूमि में तो अर्जुन तो बाण मारे थे छाती में, पैर में, हाथ में, सब जगह, तो गिरे ऐसे तो बाण पर ही गिरे, सिर में नहीं मारे थे बाण अर्जुन, तो भीष्म पितामह का सिर लटक रहा था ऐसे।
उनके आशय को समझ गए। उन्होंने अभिव्यक्त किया कि हमारे सिर को सिरोधान चाहिए, तकिया चाहिए। तो कैंप शिविर पास में ही था, दुर्योधन आदि दौड़े लाने के लिए, तकिया लाया जाए, तोशक लाया जाए। कई तोशक बिछाया जाएगा तो सिरहाना ऊंचा हो जाएगा। भीष्म पितामह नकारे, उन्होंने संकेत किया कि जिसने सज्जा दिया है वही तकिया देगा। तो अर्जुन समझ गए, अर्जुन बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे, तुरंत समझते थे क्या करना चाहिए। तो वे भीष्म पितामह के मस्तक में तीन बाण मारे बहुत जोर से, वे बाण पार कर गए मस्तक को और नीचे जा कर के उठा दिए सिर को। तो बाण की सज्जा है तो तकिया क्या रुई का चाहिए, तकिया भी चाहिए बाण का। तो बाण से सीधा हो गया मस्तक उनका, सज्जा के समानांतर। तो भी बाण सज्जा पर सोए हैं, वैसे तो वे देह से परे हैं, क्षत्रिय हैं, वैसे भी कम व्यथा का अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि पड़ते ही सारी व्यथा चली गई उनकी। और यहाँ तक कि निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, भगवान की धारणा करने से और भगवान की दृष्टि पड़ते ही इंद्रियों का जो भ्रमण था इधर उधर संसार में, वो सारा समाप्त हो गया। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति भी भ्रम, सभी इंद्रियों की वृत्ति, जैसे आँख की वृत्ति है देखना, कान की वृत्ति है सुनना, वृत्ति का अर्थ है फंक्शन कार्य, नासिका का की वृत्ति है सूंघना, त्वक की वृत्ति है स्पर्श का अनुभव करना, इस तरह से वृत्तियाँ भ्रमण करती रहती हैं। विभ्रम का अर्थ इधर घूमती रहती हैं, क्षण भर में मन इधर जाता है, नेत्र इधर जाता है, कान से कुछ आदमी सुनने लगता है, बोलने लगता है। तो समस्त इंद्रियों की वृत्तियाँ रुक गई, उनका भ्रमण रुक गया, केवल कृष्ण में आ गए। भगवान के देखने का प्रभाव होता है। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल हम ही कृष्ण को देखते हैं, हम तो देखते ही हैं, लेकिन कृपामय श्री भगवान हम जीवों पर देखते हैं, यह सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के श्री विग्रह के सामने होना चाहिए। तो वे देखे तो भीष्म पितामह का दर्द चला गया। तो यदि भगवान देखेंगे स्नेह दृष्टि से तो मंदिर में जाने वालों का रोग दुख दरिद्रता सब समाप्त हो जाए, ये सिद्धांत है। इसीलिए भगवान मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, भगवान के सामने खड़ा होना, दर्शन करना, उनसे कुछ अपने मन के भावों को निवेदित करना और भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करना, चाहे फूल अर्पित करे या और चीज़ अर्पित कर सकता है। इसके लिए मंदिर बनाया जाता है। भगवान भीष्म पितामह को देखे तो उनकी व्यथा चली गई, और व्यथा ही नहीं चली गई, उनके मन का, इंद्रियों का, सबका विभ्रम भी चला गया। तब वे शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो करके और अब जनार्दन की स्तुति करने लगे। तो यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी भगवान को जनार्दन क्यों कह रहे हैं? जनार्दन का अर्थ दो होता है, जन और अर्दन। अर्दन का अर्थ है रक्षक, पालक, प्रेम करने वाला, अपने भक्तों से, हरिजनों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, अपने जनों से जनार्दन कहते हैं उनको। और जनार्दन का एक अर्थ, अर्दन का अर्थ है मारना, कुचल देना, नष्ट करना। तो वे दुष्ट जनार्दन हैं, दुष्ट जनों का वध करते हैं, उनका विनाश करते हैं। और शिष्ट जन जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव जन, उनकी रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं। तो यहाँ पर रक्षा के ही अर्थ में है, अपने भक्तों का पोषण करने वाले, स्नेह करने वाले भगवान कृष्ण हैं, उनकी स्तुति करने लगे। श्री भीष्म पितामह ने अनुभव किया कि भगवान के दृष्टि पड़ते ही दर्द बिल्कुल समाप्त, उन्होंने अनुभव किया।
इसीलिए उनके मन में जनार्दन शब्द उभरने लगा हो, ये जनार्दन है, भक्तों की पीड़ा हरते हैं, दुख दरिद्रता हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, ये वास्तव में जनार्दन है। तो सूत गोस्वामी भी भीष्म पितामह के मनोभाव के अनुसार ही भगवान का नाम बोल रहे हैं कि जनार्दन की स्तुति करने लगे, जो अपने भक्तों के पालक हैं, स्नेह करने वाले हैं, उनकी स्तुति करने लगे। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपे युषी जद भव प्रवाह। सात्वत पुंगवे जो जदवंश शिरोमणि हैं, उनमें ये जो भी भगवान कृष्ण के बारे में विशेषताएं हैं, सप्तमी विभक्ति एक वचन में है और मूल वाक्य है कि मैं अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण में समर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। अर्थात हमने अपने जीवन में अपनी बुद्धि से सार समझा है सब कुछ, तो वो है श्री कृष्ण, श्री भगवान जो पर ब्रह्म है कृष्ण। मूल वाक्य है मति ही उपकल्पिता, मेरी मति समर्पिता है, मैं समर्पण करता हूँ अपनी बुद्धि को। किस में समर्पित करते हैं? भगवती, भगवान में। कौन भगवान? भगवान के तो बहुत से स्वरूप हैं, तो जदुवंश विभूषण भगवान में ये अर्थ कर रहे हैं। सात्वत पुंगवे, सात्वत नाम था भगवान के पूर्वज का, वृष्णि भी नाम था और जदु नाम तो है ही, तो श्री कृष्ण को सात्वत पुंगवे, पुंगव का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, पूर्ण, जो जदुवंश को अलंकृत किए हैं, जदुवंश की शोभा बढ़ाए हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं जदुवंश में, ऐसे भगवान में मैं अपनी मति को अर्पित कर रहा हूँ। और संस्कृत में उपकल्पना का अर्थ विवाह भी होता है, उपकल्पनम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि मुझे एक बहुत चिंता थी, भीष्म पितामह कहते हैं हमारे पास एक कन्या है जिसका विवाह नहीं हुआ है अभी, मति या बुद्धि भी कन्या है, स्त्री है, तो उपकल्पनम शब्द पर वो अर्थ करते हैं, मैं अपनी कन्या का, अपनी बुद्धि का विवाह जदवंश विभूषण भगवान कृष्ण से कर रहा हूँ, मैं अपनी कन्या को, मैं अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहा हूँ, यह भी एक भाव है। तो वास्तव में बुद्धि के या मनुष्य के किसी भी विशेषता के वास्तविक स्वामी श्री भगवान हैं। जब कोई कन्या किसी वर के प्रति समर्पित हो जाती है तो उसी के साथ रहती है, उसकी सेवा करती है, लगी रहती है, तो मैं अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहा हूँ। गुण क्या है आपकी बुद्धि का? वितृष्णा, मेरी मति, मेरी बुद्धि निष्कामा है, इसमें कोई भी कामना नहीं है, फलाभिसंधि रहिता है, दूसरी कोई कामना नहीं है, केवल श्री कृष्ण सेवा की कामना है, इसको वितृष्णा कहते हैं। विगता तृष्णा जस्य सा, जिसकी तृष्णा बीत गई है, जिसमें कोई तृष्णा नहीं है। भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को इस तरह से स्वयं ही कह रहे हैं कि ये परम शुद्ध है, ऐसी परम शुद्ध बुद्धि को मैं जादवपति भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहा हूँ। और विशेषता दे रहे हैं विभूमनी, श्री कृष्ण विभूमा है,
विगत विगता भूम विगतो भूमा जस्मा भूमा का अर्थ होता है बड़ा अनंत बड़ा तो जिससे बड़ा सब विगत है तो जिससे बड़ा कोई नहीं है ये अर्थ हुआ विभूम नहीं जिससे बड़ा कोई नहीं है जो सर्वातिशायी महिमा वाले हैं ऐसे भगवान कृष्ण में मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ। वास्तव में श्री कृष्ण के से बढ़ करके कोई नहीं है बारंबार भागवत में यही कहा गया है न तत् समस्याभ्यधिक कुतन्य भगवान से भगवान के समान कोई नहीं है इस संसार में किसी भी विषय में उनके समान कोई नहीं है तो फिर उनसे बढ़ करके तो होने की कोई बात ही नहीं तो सर्वातिशायी सबकी महिमा को जो लांघ जाते हैं सुला देते हैं सबसे बड़े हैं सभी विषय में इनको विभूमा कहते हैं ऐसे कभी कभी उनको भूमा पुरुष भी कहते हैं कारणोदक साई भगवान को भूमा पुरुष कहते हैं और श्री कृष्ण को विभूमा कहते हैं जिनसे बड़ा कोई नहीं है कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो जिनसे कोई बड़ा नहीं है किसी भी गुण में किसी भी तरह से ऐसे प्रभु में श्री कृष्ण में मैं अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहा हूँ। और वो कैसे हैं स्वसुखम उपगते जो अपने स्वरूप के आनंद में अपनी स्वरूप शक्ति के आनंद में ही रहते हैं हमेशा भगवान की चित्तवृत्ति कभी बाहर नहीं जाती है वो अपने आनंद में रहते हैं अपने धाम में अपने परिकरों के साथ अपनी चित्त शक्ति के विलास के साथ सुखी रहते हैं। बाकी दूसरे जो जीव हैं या देवता आदि कोई भी हैं तो वे माया के द्वारा रचे हुए पदार्थों में सुख मानते हैं जैसे अब हम मनुष्यों की दशा है हम कभी स्वसुख का मुख तो देखे नहीं देह को मैं मान रहे हैं और देह से ही प्रकृति के द्वारा जो दिए गई वस्तुएं हैं उन्हीं में सुख मान रहे हैं उन्हीं को भोगना चाहते हैं हम स्वसुख में कभी नहीं हैं लेकिन श्री कृष्ण हमेशा अपने स्वरूप के अपने लीला के आनंद में अपने परिकरों के साथ आनंदित होते हैं उनके परिकर उनके स्वरूप ही हैं स्वसुख मुपगते कभी बाह्य वृत्ति नहीं है निजानंद से भगवान परिपूर्ण हैं हम लोग कभी भी निजानंद का अनुभव नहीं करते हैं प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं में चाहे रूप हो गंध हो रस हो उसी में आनंद देखते हैं है ना हम निजानंद में क्या होंगे 9-10 बजते बजते भक्तानंद चाहिए भात नहीं खाने को मिलेगा तो सारा आनंद खत्म रोटी नहीं मिलेगा अगर पानी नहीं मिले तो हाय है हम क्या अपने में आनंद देखेंगे कहाँ आनंद का अनुभव कर सकते हमेशा चाहिए बाह्य चीज माया के द्वारा ही हम सुरक्षित हैं मतलब सुखी मानते हैं अपने को लेकिन श्री कृष्ण की इसकी कोई जरूरत नहीं है आनंद वो बाहर से नहीं पाते हैं बल्कि उन्हीं से आनंद विकीर्ण होता है सब जगह जैसे सूरज को दीपक की जरूरत नहीं होती है हम लोग जैसे आग तापते हैं तो ऐसे सूरज भगवान को ये जरूरत नहीं पड़ती है कि वो भी जरा तपनी तापे अरे वो उष्मा के स्रोत हैं सारी उष्मा सारी गर्मी तो उनसे निकल रही है ऐसी तरह से श्री कृष्ण से सारा आनंद विकीर्ण हो रहा है जो भी सुख जो भी आनंद व्यक्ति संसार में देखता है या सुनता है स्वर्ग आदि का या अनुभव करता है कल्पना करता है वैकुंठ का आनंद सब श्री कृष्ण से निकलता है सब श्री कृष्ण से निकलता है वो सच्चिदानंद घन है आनंद घन का अर्थ है घनीभूत आनंद है नक्ष सिख तक और वे इतने आनंदमय हैं कि अगर उनसे कोई संपर्क करे उनकी लीला से उनके नाम से उनके भक्त से उनके श्री विग्रह से उनके प्रसाद से या उनसे संबंधित किसी चीज़ से तो व्यक्ति आनंदमय हो जाता है जिनसे निकलने वाले आनंद का थोड़ा अनुभव करके जमलब्धवा एवं आनंदी भवती उपनिषद में कहा गया है श्री कृष्ण को पा करके परब्रह्म को पा करके जीव आनंदी भवती आनंदी का अर्थ है कि आनंद वाला बन जाता है आनंद से युक्त हो जाता है
और नहीं तो निरानंद है ही, दुख में है ही। और यदि आनंद चाहिए तो भगवान कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए, और उनके संपर्क में आने के अनेक उपाय हैं। उनकी लीला, उनका नाम, उनका श्री विग्रह जिसको श्रीमूर्ति कहते हैं, उसके संपर्क में या भक्तों के संपर्क में आए, किसी तरह से उनके संपर्क में आने से जीव आनंदित होता है। तो वे अपने स्वसुख में रहते हैं। श्री कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं कि दूसरा कोई कुछ सहारा देगा या उनको कुछ करेगा तब वे सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन हम लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं थोड़ा सा, किस लिए? अगर ये दूसरा व्यक्ति चादर नहीं दिया होता, स्वेटर नहीं होता, तो सारा आनंद खत्म हो जाता जाड़ा के मारे, है कि नहीं? अगर कुछ तथाकथित सुख का कोई अनुभव कर रहा है तो प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं से, नहीं तो मर जाएगा खाने बिना, ठंडा से या ताप से। पर भगवान को यहाँ कहा जा रहा है, भीष्म पितामह कह रहे हैं स्वसुख मुपगते, जो अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। पर कभी कभी कारणोदक साई के रूप में अवतार लेकर के प्रकृति के गुणों में क्षोभ करते हैं, विषमता पैदा करते हैं। तो किस लिए? कि प्रकृति विश्व में जीवों की रचना करे, उनका भोगने वाला साधन दे और शरीर बनावे। जद भव प्रवाह, माया शक्ति ऐसी है जो अनेक प्राणियों के शरीर को जन्म देती है और भोगने वाले वस्तुओं को भी देती है। ये माया प्रवाह है। भगवान की विशेषता देखिए, इनकी बहिरंग शक्ति है, दासी है माया, और यही इस विश्व में सभी चीज़ों की रचना करती है। इतने अनंत अनंत आत्मा के लिए शरीर बनाना और शरीर से भोगे जाने वाले पदार्थ देना, इतना। आज मैं इस श्लोक को पढ़ करके और रूम में बैठा था तो मैं ये देख रहा था कि एक व्यक्ति के यूज के लिए कितने सामान हैं। तो मैं देखा कई सेट कपड़ा रखा है, किताबें हैं, गिलास है, चप्पल है, उड़ने के लिए रजाई है, बिछाने के लिए गद्दा है और चौकी है, कई चीज़। तो इस प्रकार से मैं विचार कर रहा था कि एक एक व्यक्ति को जीवन में कितना जरूरी है, जब से जन्म होता है और मरण तक कितना कुर्ता पहना, कितना शाल ओढ़ा या कितना टोपी लगाया, कितना जूता पहना और कितना पहनेगा जीवन पर्यंत, ये सब कौन दे रहा है? ये वास्तव में भगवान की शक्ति दे रही है, जिसको बहिरंगा माया शक्ति कहते हैं। पर यह बेचारी कैसे समर्थ होती है इस अनंत कोटि जीवों को वस्तु देने में, पालन करने में कैसे समर्थ होती है? भगवान के दृष्टि से भगवान देखते हैं, इसमें शक्ति देते हैं। गीता में कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता से, अध्यक्ष अक्ष का अर्थ होता है आँख, और अधि अक्ष का अर्थ होता है जब मैं आँख से इशारा करता हूँ, देखता हूँ, तो प्रकृति चर अचर जीवों को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाती है और उनकी सारी आवश्यकताओं को देती है। भीष्म पितामह ये कहते हैं कि वैसे भगवान अपने धाम में आनंद में रहते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी इन जीवों के हित के लिए वे अपनी शक्ति पर, बहिरंगा शक्ति पर दृष्टिपात करते हैं। क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी, अपनी प्रकृति को जो स्वीकार करते हैं, बहिरंगा शक्ति को सृष्टि करने के लिए और सृष्टि लीला में विहार करते हैं, सृष्टि लीला करते हैं, ऐसे जो कृपा करके कारणोदक साई के रूप में अवतार लेते हैं और विश्व सृष्टि करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण में, जदुवंश शिरोमणि में मेरी बुद्धि समर्पित है, मैं अपनी बुद्धि को अर्पित कर रहा हूँ। यह है सिद्धांत। भीष्म पितामह के कहने का अर्थ है कि हमने अनेक साधनों का अनुष्ठान किया है, अनेक संतों का, भक्तों का, महर्षियों का, ऋषियों का संग किया है, और सब कुछ करके हमने सत्य क्या समझा है अपने जीवन में? सत्य समझा है एकमात्र कृष्ण सत्य हैं।
कृष्ण ही परम पुरुषार्थ स्वरूप हैं, यही परम आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, यही सब कुछ हैं, वासुदेव सर्वमिति सब कुछ हैं। ये बुद्धि समर्पित करने का मतलब ये है, मैं अपनी बुद्धि को अर्पित कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपनी बुद्धि से इनको ही सब कुछ समझा हूँ। कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, सब कुछ हैं, सर्वसार हैं, परम सुखमय हैं, ऐसा हमने अपने बुद्धि से समझा है। अतः मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ, अर्थात मैं अपनी मति से अब किसी का चिंतन नहीं करूँगा, किसी को चित्त में नहीं आने दूँगा। मति और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर है। मति का अर्थ होता है जो हम किसी चीज़ को मानते हैं, मान्यता देते हैं, ये मति का काम है। मति से हम मानते हैं ना, अपनी अपनी मति है, हम किसको बड़ा समझते हैं, किसको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, अपने जीवन का सार किसको समझते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं जदवंश शिरोमणि कृष्ण को, जैसे प्रभु मधुसूदन सरस्वती अपने गीता की टीका में लिखे हैं कि बंसी विभूषित करार नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहम न जाने। एक बार मधुसूदन सरस्वती वृंदावन आए और शंकराचार्य के पंथ के कट्टर फॉलोअर थे, जब वृंदावन आए बहुत तार्किक थे, तर्क करते थे, बहुत तर्क करके जब दूसरों को परास्त कर देते थे तो बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। एक दिन बांके बिहारी मंदिर से निकलते हुए एक भक्त ने उनसे बात किया, कहा कि स्वामी जी आप तो अपने को ब्रह्म समझते हैं और दूसरा भी तो ब्रह्म ही है ना। तो वे चकित हो गए, बात तो सत्य है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तो एक व्यक्ति ब्रह्म है तो और भी ब्रह्म ही है ना घनश्याम जी, हरिद्वार में सब ब्रह्म ही है, हरिद्वार में सब ब्रह्म ही है। तो उनसे उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि आप अपने को ब्रह्म मानते हैं, दूसरों को भी ना? हाँ, अच्छा ब्रह्म जी ये बताइए कि आप जब दूसरे ब्रह्म को परास्त करते हैं तो आपको कुछ खुशी होती है कि नहीं? तो आप अपने से अपने को ही हरा करके खुश हो रहे हैं। ये वाक्य इतना धस गया मधुसूदन सरस्वती को, उस वैष्णव के चरण में गिर गए और उसी दिन से तर्क करना छोड़ दिए और भगवान का नाम जपने लगे, भक्त हो गए। गीता की टीका लिखे शिष्यों के प्रश्न पर ही, जब वृंदावन से लौट कर बनारस गए तब केवल कृष्ण गोविंद ये नाम लेते थे, भगवान का नाम जपते थे। उन्हें पूछा कि अरे क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं, मैं ठीक स्थिति में हूँ। शिष्य लोग कहने लगे, नहीं शिष्य भी सब सन्यासी थे, नहीं ये तो आप कहाँ अद्वैत मत को मानने वाले और आप कृष्ण कृष्ण कह करके रो रहे हैं, आपको पुलक होता है, ये क्या हो रहा है गुरुदेव, आपकी स्थिति ठीक नहीं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है यार, कुछ नट बोल्ट ढीला हो गया, बिगड़ गया, माथा में खराब हो गया। विदेश में किसी व्यक्ति को शुरू में लोग देखते थे कि तिलक किया है, पेंट किया है और वुडन बीड लगाया है, काठ की माला, तो लोग कहते थे कि दिमाग कुछ खराब हो गया इसका, समझ नहीं है। तो मधुसूदन सरस्वती को ही वैसे ही कहने लगे शिष्य लोग। तो अंत में एक दिन सभा किए, सभा में पूछे आप ये बताइए आप तत्व क्या समझते हैं, तत्व क्या चीज है, असली चीज है क्या जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। तब उन्होंने एक श्लोक कहा, बंसी विभूषित करा, लास्ट में कहते कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहम न जाने, मैं कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है मैं नहीं जानता हूँ, जो जानते होंगे जाने।
अरे बाप रे बाप, जहाँ ब्रह्म का ध्यान करना है और अपने को ही ब्रह्म मान करके, वहाँ ये कहना है कि कृष्ण के अलावा और कोई तत्व नहीं है। होगा दूसरे लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। कृष्णा परम किमपि तत्व महम न जाने, मैं नहीं जानता हूँ कृष्ण के अलावा। तो कृष्ण का अर्थ होता है जो परम आनंदमय हैं, परम आनंद घन हैं। तो कुछ अर्थ क्या है? अच्छा, मतलब परब्रह्म को ही आप तत्व मानते हैं, कुछ ब्रह्म का भी विश्लेषण कीजिए, कुछ वर्णन कीजिए। तो कहते हैं बंसी विभूषित करात, जिसके हाथ में बंसी है उस कृष्ण के अलावा कोई दूसरा तत्व है मैं नहीं जानता। बंसी विभूषित करात, तो जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में वही परम तत्व है, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। बंसी विभूषित करात और नवनीर दाभात, जिनका शरीर नवीन जलधर के समान श्याम है वही परम तत्व है। नवनीर धाप नीरदा भात, पीताम्बरात, जो पीला कपड़ा पहनते हैं, कृष्णात का सभी विशेषण है। कृष्ण कैसे हैं जो पीला कपड़ा पहनते हैं? पीताम्बरात, अरुण बिंब फलोधरोष्ठर फलाधरोष्ठर, और अरुण कुंदरू के फल के समान लाल लाल जिनके अधर हैं, और पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, जिनका सुंदर मुख चंद्रमा, जिनका मुख चंद्रमा की तरह परम सुंदर है, जिनका मुख चंद्र चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, अरविंद नेत्रा, और जिनके नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर हैं, ऐसे कृष्ण से बढ़कर कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व मैं नहीं जानता। बंसी विभूषित करार, नवनी रदाभार, पीताम्बरा, दरुण बिंब फला धरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद, अरविंद नेत्रात, कृष्णा परम किमपि तत्व हम न जाने। साफ उन्होंने कहा कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, मतलब मैं नहीं मानता हूँ कोई तत्व है, कृष्ण ही परम तत्व। तो भीष्म पितामह के इस स्तुति का यही अर्थ है, कृष्ण के अलावा कोई तत्व है, जदवंश शिरोमणि कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है हम नहीं जानते, हम अपनी बुद्धि को कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। दूसरे जानते होंगे तो जानते हैं, और ये भीष्म पितामह उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कहाँ पर? जहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे हैं उनके बीच में बोल रहे हैं, कोई एकांत कमरे में नहीं ये विचार बोल रहे हैं दो चार व्यक्ति से। मैं जदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण को अपनी मति समर्पित करता हूँ कि हमारी मति ने कृष्ण को ही तत्व समझा है, परम पुरुषार्थ समझा है। वास्तव में सत्य है, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व है नहीं। कभी कभी ये बाह्य प्रचारक लोग कहते हैं ये तत्व है वो तत्व है, कभी कभी कहते हैं अरे भैया आप लोग ऐसे ही रूप में ही फंसे रहेंगे कि तत्व तक पहुँचेंगे। अरे बाप रे बाप, ये अज्ञानी लोग, तत्व ज्ञान भी करोगे कि केवल कृष्ण का नाम जपते रहोगे? ये सोचना ही मूर्खता है। भागवत प्रमाण है, भीष्म पितामह समस्त संत समाज में, समस्त मुनियों के समाज में ये बातें बोल रहे हैं, मैं श्री कृष्ण में अपनी बुद्धि अर्पित कर रहा हूँ, अर्थात हमारी बुद्धि ने इनको ही सब कुछ समझा है। श्री कृष्ण के भी अनेक लीलाएं हैं, तो किस लीला में किस आवेश में इनका मन ज़्यादा अटका हुआ है इसको भीष्म पितामह कह रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलक कुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भगवान श्री कृष्ण के विजय सख, विजय सखा में, अर्जुन के सखा में
जो अर्जुन के सारथी हैं, अर्जुन के मित्र हैं, सखा हैं, ऐसे प्रभु में हमारी अनवद्य रति हो। अनवद्य का अर्थ निर्दोष, निर्दोष रति हो, प्रेम हो भगवान में। और अनवद्य इसका मतलब है कि अन्य फल की कामना कभी भी ना हो जिस रति में, ऐसी रति चाहिए। दोष क्या है, भगवान के प्रति कोई प्रेम करता है तो कभी कभी उस प्रेम में दोष होता है। दोष ये है कि भगवान से और कोई कामना होती है, भगवान हम पर कृपा करेंगे, दर्शन देंगे, तो हम भगवान से ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। तो दो दोष है, एक तो कामना का दोष और दूसरा दोष है रति कभी कभी खंडित होती रहती है, खंडित होती रहती है, बीच बीच में शिथिल होती है या कम होती है, यह भी दोष है रति का। रति मतलब रत होना, प्रेम होना। विजय सखा में मेरी अनवद्य रति हो। पार्थ सारथी स्वरूप में ही भीष्म पितामह का मन बिल्कुल आसक्त था अर्जुन के सखा। वैसे अर्जुन के प्रति भगवान ने जो प्रेम किया है वो उनकी बहुत स्थान पर लीलाएं हुई हैं, उसे तो व्यक्त होता ही है, परंतु अर्जुन के प्रति जो प्रेम भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिखाया वो सर्वोपरि है। अर्जुन के मित्रत्व की लीला में सबसे श्रेष्ठ लीला कुरुक्षेत्र की है, इसका भीष्म पितामह स्वयं वर्णन करेंगे। तो विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या, विजय सखे में रति ही, अनवद्या रति ही अस्तु, विजय सखा में मेरी प्रीति हो हमेशा, निर्दोष प्रीति जो अनवरत रहे, जन्म जन्मांतर में रहे, कभी खंडित न हो, और उस प्रीति में हमें कोई कामना न आवे कृष्ण के प्रति, केवल विशुद्ध प्रेम ही हो, कृष्ण सेवा की वृत्ति हो और हमें कुछ इच्छा ना हो। कैसे कृष्ण उसको बता रहे हैं, चार विशेषता बता रहे हैं। वपुह दधाने, जो ऐसा श्री विग्रह प्रकट किए हैं, इतना सुंदर प्रकट किए। दधाने शब्द का अर्थ जो धारण किए हैं, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं, वो अपने नित्य स्वरूप को केवल प्रकट करते हैं, तो जीवों के दृष्टि में वो आने लगता है, तो इसीलिए इसको धारण करना कह दिया जाता है। भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं, वो स्वरूप प्रकट करते हैं, नित्य सिद्ध स्वरूप। तो पर फिर भी भीष्म पितामह के शब्द है, मनुष्यों के बुद्धि में गम्य करने के लिए, उनमें समझाने के लिए बात कही जाती है। जो धारण किए हैं शरीर, कैसा शरीर, चार विशेषता शरीर की दे रहे हैं। त्रिभुवन कमनम, ये पहली विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण का बपु, भगवान श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो इतना सुंदर, इतना आकर्षक है, इतना आनंदमय है कि त्रिभुवनवासी जितने भी जीव हैं वे सभी उसकी कामना करते हैं। सबको लालसा होती है कि उस रूप को हम देखें, हम छुएं, से बात करें। कमनीयम, कमन का अर्थ होता है काम्यम, कामना करना, सभी जीव कामना करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड तीन जोन में बांटा गया है, ऐसे कोई रेखा नहीं है, लेकिन तो मोटा मोटी कहते हैं तीन जोन बांटा गया। एक में मुख्यतः देवता लोग रहते हैं जिसको स्वर्ग कहते हैं, और नीचे पाताल जिसमें दैत्य लोग रहते हैं, प्रधान वही हैं। सर्प आदि भी रहते हैं, नाग है, लेकिन दैत्य प्रधान है, जैसे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सात नीचे के लोग। और ऊपर में स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब है। तो उसको एक लोक माना जाता है नीचे के, और इस पृथ्वी पर मनुष्यों की प्रधानता है, इसको मध्य लोक कहते हैं। तो
ऊर्ध्व अधः और मध्य, इसको कभी कभी त्रिलोक या त्रिभुवन कहते हैं। भीष्म पितामह यहाँ पर त्रिभुवन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, त्रिभुवन। तो त्रिभुवन से शब्द है कि इन तीनों ऊर्ध्वलोक में और मध्यलोक में और अधः लोक में जितने भी जीव हैं वे सभी भगवान कृष्ण के रूप की लालसा करते हैं, इतना सुंदर है उसको देखना चाहते हैं। यदि कम कहीं भी कोई प्रेम कर रहा है तो वास्तव में उसी रूप से प्रेम कर रहा है, ये देखा जाए तो। जैसे एक उदाहरण देकर हम इस बात को स्पष्ट करें, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, क्यों कर रहा है? जब तक उस शरीर में श्री कृष्ण का ही एक अंश जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो जब तक जीवात्मा है उस देह में तब तक प्रेम है। और जैसे ही जीवात्मा जो कृष्ण की एक शक्ति है शरीर को छोड़ देता है तो उस शरीर से प्रेम बिल्कुल नहीं रह पाता। व्यक्ति अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को फिर जलाने में संकोच नहीं करता। शरीर प्रिय नहीं है, शरीर के भीतर जो कृष्णांश है, ममई वांसो जीव लोके जीव होता सनातना, वो जीव है और परमात्मा रूप से भगवान उस शरीर में है, तब वो शरीर देखने लायक है, छूने लायक है, उसको प्रिय कहते हैं। उसको अपना प्रियतम कहना, पुत्र कहना, भाई कहना, कोई भी तभी तक है ना। तो रियल में शरीर में किसको भाई कहा जा रहा है, किसको अपनी प्रिय कहा जा रहा है? जब तक आत्मा है तब तक तो है, नहीं तो इसके बाद मृतक कहा जाता है, मृतक प्रोच्यते जथा। और उस शरीर को आग के हवाले करने में क्या हिचक होती है? नहीं, बल्कि आदमी और ज़्यादा कष्ट बोझ देता है कि जल्दी जले, बढ़िया से जले, और मिट्टी के अंदर डाल देता है। आत्मा शून्य देह की कोई कीमत नहीं है, कीमत है आत्मा की। तो आत्मा से ही प्रेम कर रहा है ना व्यक्ति, नहीं तो आत्मा माइनस देह से नहीं, देह माइनस आत्मा, अगर आत्मा नहीं है तो देह से कोई प्रेम नहीं। तो विश्लेषण करके देखा जाए तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का अंश जीव उस शरीर में है तब तक उस शरीर से कोई प्रेम कर रहा है। तो अंततः अगर इस संसार में भी कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो रियल में वो कृष्ण से कर रहा है, कृष्ण के अंश से और कृष्ण से प्रेम कर रहा है, परमात्मा से, आत्मा से। तो इससे सिद्ध हुआ कि तीनों जगत में जितने भी जीव हैं भगवान श्री कृष्ण के उस त्रिभुवन आकर्षक रूप की कामना कर रहे हैं, पर अज्ञान से कर रहे हैं, जानते नहीं हैं। जड़ शरीर वो समझते हैं, जड़ शरीर से प्रेम कर रहे हैं, पर प्रेम है नहीं उससे। और वैसे भी प्रकट लीला में भगवान जब गए तीनों जगत में, स्वर्ग में गए माता अदिति का कुंडल देने के लिए और इंद्र का छत्र देने के लिए, स्वर्ग में गए, और इधर पाताल लोक में भी गए, वरुण जी के भी लोक में गए, बलि महाराज के लोक में गए, कई जगह गए, और पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण किए हैं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सब जगह भ्रमण किए। तो जहाँ वे गए वहाँ लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग कृष्ण को देखने के लिए जुटते थे, देखने के लिए हल्ला हो जाता था कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। तो यहाँ तक कि जो मर्यादा में रहने वाले कुल वधुए हैं, स्त्रियाँ हैं, पतिव्रता, वे भी पतियों को छोड़ करके बच्चों को और काम, घर के काम धंधा को चल देती थी कृष्ण को देखने के लिए। कहीं भी, चाहे वो हस्तिनापुर में जाएँ या मथुरा में या कुरुक्षेत्र में, कहीं भी इतने आकर्षण के सब लोग देखने के लिए जुड़ जाते थे। जब संधि दूत बन करके हस्तिनापुर आए तो महाभारत में वर्णन है कि हस्तिनापुर के सारे छत भर गए चारों तरफ से देखने के लिए। स्त्रियां ऊंचे ऊंचे अटारियों पर चढ़ गई, झरोखों से देख रही थी, फूल की वर्षा कर रही थी और बहुत बातें बोल रही थी भगवान के बारे में। जहाँ जाते थे वहाँ देखने की भीड़ लगती थी। तो भीष्म पितामह ने इसको देखा है और सुना है सभी से, तो कहते हैं त्रिभुवन कमनम, तीनों जगत में जितने भी प्राणी हैं वे सभी कृष्ण के इस रूप को देखना चाहते हैं, इतना सुंदर है, ऐसे रूप को जो धारण किए हैं
त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, और शरीर का रंग कैसा है, तमाल वर्णम, नए तमाल वृक्ष की तरह जो सांवला है। तमाल वृक्ष देखे होंगे, वर्ण ऐसा है भगवान का, तमाल वर्णम, नवीन तमाल वृक्ष के समान जिनका शरीर है, सांवला है, इसका अर्थ ही है। और रविकर गौर बराम बरम दधाने, और वो शरीर कैसा है जिस पर है रविकर गौर, सूर्य के किरण के समान पीत वर्ण का वस्त्र जिस शरीर पर भगवान धारण किए। रविकर, रवि सूर्य की किरणें पीली होती हैं, जब सूर्य खास करके प्रातःकालीन उगते हैं, कुछ ऊपर उठते हैं, तो उनकी किरणें बिल्कुल पीले वर्ण की होती हैं, पीत वर्ण की। और अलक कुलावृतान नाभजम, और जिनका बदन कमल, परम सुंदर मुख है जो कमल को भी मात करता है, और जो अननाभज, जो बदन कमल अलकावली से वेष्टित है, श्री कृष्ण के केश परम सुंदर हैं, इसीलिए उनको केशव कहते हैं। केशव नाम का एक अर्थ ये है, जिनके केश बड़े लुभावने हैं, और वो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। और किसी के केश ऐसे नहीं हैं, केश कुछ दिन काले रहते हैं फिर बाद में सफेद होने लगते, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। कृष्ण नित्य सच्चिदानंद घन है, नित्य जीवन है उनका, नित्य किशोर है। अलक कुल आवृतम आननाभजम, आवृत आननाभजम, अलक कुल केश समूह धरे हुए हैं श्री कृष्ण के केश, और अग्रभाग जो है कृष्ण के केश के, वे घुंघराले हैं, किसी सैलून में घुंघराले नहीं बनाए गए हैं, वो स्वाभाविक हैं घुंघराले अलके हैं, तो उसे आवृत आननाभजम, वो मुख पर लटकी रहती हैं। तो इस तरह से घुंघराली अलकों से सुंदर जिनका मुख है, बदन कमल है, और जो पीतांबर पहने हुए हैं शरीर के लिए कहा जाए, जिनका भगवान का जो स्वरूप पीत वर्ण वस्त्र से सुशोभित है, और जो तमाल वर्ण के समान है, तथा त्रिभुवन जिसकी कामना करता है, त्रिभुवनवासी जन जिसकी कामना करते हैं, ऐसे श्री विग्रह को जब प्रकट किए हैं उन विजय सखा में हमारी अनुवाद्य रति हो, अर्जुन सखा में हमारी अनुवाद्य रति हो। तो तीसरे श्लोक में भीष्म पितामह अर्जुन सखत्व का ही वर्णन कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं विजय सखित्व में वो अनुवर्णयन तस्मिन रतिम प्रार्थयते, भगवान किस तरह से अर्जुन के साथ मित्रता किए, कैसा हिताचरण कर रहे थे, इसका वर्णन करते हैं। जुधितुर गजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रम वार जलम कृतास्ये मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। इस श्लोक का मूल वाक्य है कृष्णे मम आत्मा अस्तु। आत्मा का कभी कभी अर्थ मन होता है, कृष्ण में मेरा मन रहे, अर्थात रमताम रमण करे, कृष्ण में ही हमारा मन रमे। कथम भूते कृष्णे, कैसे कृष्ण में, इसी का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन सखा कृष्ण में। पीछे से उसका नाम है अर्जुन सखा में, क्या सखित्व कर रहे हैं, किस तरह से अर्जुन के मित्र बने और उनकी सहायता कर रहे हैं। युधितुरग रजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रमवार जलम कृतास्य कृष्ण,
कृष्ण शब्द का विशेषण दे रहे हैं। युधी कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मेरे साथ युद्ध कर रहे थे, जो अर्जुन का और मेरा युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ही भीष्म पितामह लेटे हैं बाण सज्जा पर, उसी भूमि में जो लीला हुई है कुछ दिन पहले उसकी याद कर रहे हैं। युधी, युधी का अर्थ है युद्ध में, कहाँ के युद्ध में, अर्जुन के साथ जब मेरा युद्ध हो रहा था उस युद्ध में। तुरग रजो विधुम्र विश्वक, तुरग का अर्थ है घोड़े, घोड़ों के खुर से धूल उड़ती थी रथ वेग से चलाने से, और इधर उधर दाएं बाएं कभी आगे धूल उड़ती थी, उसको तुरग रज कहते, घोड़ों के खुर से रज उत्थित होता था, धूली उड़ती थी। तो धूली से विधुम्र विश्व कचलुलित, और धूली उड़ने से श्री कृष्ण के केश धूम्र हो जाते थे। धूम्र का अर्थ है धूली धूसरित कहते हैं, रथ हाँकते थे लेकिन धूल उड़ने पर आप सब स्वाभाविक समझ सकते हैं कि धूल पड़ेगी। तो भगवान के पीताम्बर पर और माला पर तथा उनके केश पर, तो केश पर जल्दी पता लगता है कि धूली छाई हुई है, क्योंकि केश काला काला है, धूली पड़ने से वो धूम्र हो गया है। स्वाभाविक ही स्निग्ध और काले केश मटमैले हो गए हैं, धूली धूसरित हो गए, और धूली धूसरित केश इधर उधर संचालित हो रहे हैं। चूँकि रथ हाँकने में कृष्ण कभी कभी घोड़ों को बोलते हैं, कभी बाएं दाएं आगे करते हैं, युद्ध में रथ को बचाना पड़ता है और रथी को भी बचाना पड़ता है, तो उस सारथी के हाथ में रहता है कि ऐसे ट्रिक से और कला से रथ का संचालन करे कि रथी की रक्षा हो और रथ भी बचा रहे। किससे बचाना है, विपक्ष में महारथी बाण लेकर के खड़ा है, युद्ध कर रहा है, बाण वर्षा कर रहा है, उसे रथी को बचाना है और घोड़े को रथ को सबको बचाना है। तो उसके लिए भगवान बहुत ही कलात्मक ढंग से रथ संचालन करते थे, तो रथ हिलता था, हिलने से भगवान की अलकें इधर उधर हिलती थी, घोड़ों के रज से धूसरित हुई अलकें हिलती थी, बाल हिलता था, और भगवान श्री कृष्ण इतने व्यग्र हैं युद्ध में अपने सखा को विजय दिलाने के लिए, उनको फुर्सत नहीं है कि वे अपने केश को संवारें, वे हाथ खाली नहीं है भगवान का, तो केश हिल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, तो उससे भगवान के मुख पर जो पसीने उभरी हुई हैं, वे पसीने अपने आप इधर उधर विकीर्ण होती हैं, पसीना पहुंचने की फुर्सत नहीं है भगवान को, और पसीने की बूंदे श्वेत बिंदु भगवान के मुख कमल पर उभर आए हैं, इससे मुख की बहुत शोभा बढ़ गई है। शोभा दो तरह की, एक तो स्वाभाविक ही भगवान का मुख सुंदर है, सांवले शरीर पर मोती की बिंदु के समान वो श्वेत बिंदु सब शोभा दे रहे हैं, और उसको भी तुरग धूली से धूसरित अलके उसको विकीर्ण कर देती है, कभी कभी पोछ देती हैं, और पसीना उभर रहा है। इसके द्वारा यह सिद्ध है कि भगवान अपने भक्त अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, तो उनके भक्त वात्सल्य को सूचित कर रहा है कि इतना मेहनत कर रहे हैं भगवान, मेहनत करने से, परिश्रम करने से श्वेत बिंदुएँ उभर आती हैं, पसीना आ रहा है रथ हाँकने में, तो अर्जुन के प्रति भगवान का जो स्नेह हो प्रकट हो रहा है, किसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, अर्जुन के लिए, अर्जुन को विजयी बनाने के लिए। तो इस तरह से श्वेत बिंदु है मुख पर और अलकें अलकों से पोछा जा रहा है, बिखर रहा है, तो इस तरह से भक्त के लिए किए गए परिश्रम से जिनका मुख कमल बहुत सुंदर है उन लगता है, ऐसे बैठा हुआ निठल्ला आदमी अच्छा नहीं लगता है, कुछ मेहनत करे
तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें भी अपने सखा को विजय दिलाने के लिए कृष्ण मेहनत कर रहे हैं, भगवान परिश्रम कर रहे हैं, और उस परिश्रम में कुरुक्षेत्र में रथ हाँकने में उनको समय नहीं है कि वो अपना पसीना पोछें, पीताम्बर से ऐसे पोछ लें। अब अलकों से ही जो पसीना पोछा जा रहा है, दोनों हाथ फंसे हैं, तो इस तरह भक्त को विजय देने में जो व्यग्र हैं, तो जुधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कच लुलित समवार्य अलंकृता से, इस तरह से जिनका मुख कमल अलंकृत है युद्ध में, उन्हीं पार्थ सखा में मेरी निर्दोष प्रीति हो, मेरी निष्काम प्रीति हो, अन्य कामना शून्य रति हो, उन्हीं में मेरा मन हमेशा रमता रहे। कृष्णे आत्मा अस्तु, मेरा मन कृष्ण में हमेशा रमे रहे। कैसे कृष्ण में, जो कुरुक्षेत्र में इस तरह अर्जुन का रथ संचालन करने में व्यग्र है, और जिनका भक्त प्रेम प्रकट हो रहा है। भगवान ने कहा है कि हम भक्तन के, भक्त हमारे, मैं भक्त का हूँ और भक्त मेरे हैं, और उसमें भी सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, और उसमें कहते देखो भक्त के अधीन हूँ, तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ, तभी तो तुम्हारा रथ हाँक रहा हूँ। और साधारण तरह से रथ नहीं हाँकते थे, रात दिन भगवान चिंता में रहते थे कि अर्जुन को विजय दिलाना है, अर्जुन को विजय दिलाना है, इसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो इस तरह अर्जुन को विजय दिलाने में जिन्हें अपने परिश्रम का भान भी नहीं है, मतलब श्वेत बिंदु पोछने का जिनको फुर्सत नहीं है, ऐसे पार्थ सखा में, अर्जुन सखा में मेरी निष्काम प्रीति हो, निर्दोष रति हो, ये प्रार्थना है। अच्छा, इस तरह से ये तो सामान्य पूरा हुआ, इसी स्वरूप में उनकी प्रीति है, और इस स्वरूप को, इस शोभा को अर्जुन ने नहीं देखा है, इसको देखा है प्रतिपक्ष से लड़ने वाले भीष्म पितामह ने, क्योंकि सारथी भगवान कृष्ण आगे रहते थे और अर्जुन पीछे खड़े होकर के लड़ते थे, तो भगवान का मुख बहुत कम देखते थे, पर भीष्म पितामह तो सामने से लड़ रहे हैं, तो पूरा आँख भर करके भगवान के इस छवि को देखे हैं, तो वही छवि आज भी अपने मानस पटल पर उभरी है, और उसी रूप में प्रीति चाहते हैं, उसी लीला में आवेश चाहते हैं, बार बार कहते हैं पार्थ सखा में, विजय सखा में मेरी प्रीति हो, प्रीति हो, प्रीति हो। अब युद्ध के प्रथम दिन की याद कर रहे हैं, जिस दिन गीता का उपदेश हुआ उस दिन की याद कर रहे हैं। सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती परसय निकायु रक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। पार्थ सखे मम रति अस्तु, पार्थ सखा में मेरा प्रेम अखंड रहे हमेशा। कैसे पार्थ सखा? सपदि सखी बचो निशम्य, अपने मित्र की अर्जुन की बात सुन करके तुरंत ही अपने रथ को अपनी सेना और शत्रुओं की सेना के बीच में कर दिए। वो अर्जुन की बात सुनना था, सेना और उभय और मध्य रथम स्थापय में चित, जब दोनों पक्ष से चुनौती प्रति चुनौती हो गई, भीष्म पितामह ने शंख बजाया था पहले, इसके बाद कौरव वीरों ने अपना अपना शंख बजाया, नगाड़ा या युद्ध के बाजे सब बजाए, जब शांत हुए तो इसके बाद भगवान ने शंख बजाया, उनका जवाब दिया, फिर अर्जुन बजाए, महाराज युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव और सभी योद्धा शंख बजाए। शंख ध्वनि इतना विकट हुई थी, संजय जी कहते हैं जब कौरव बाजे बजाए सारा जुझाऊ बाजे युद्ध के बाजे, तो सर घोषस तुम लो भवत, क्या हुआ? बहुत घनघोर आवाज हुई, लेकिन पांडव वीरों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई इसका कुछ भी वर्णन नहीं कर रहा, कुछ नहीं हुआ। हाँ, आवाज खूब हुई, लेकिन जब पांडव पक्ष के वीर केवल शंख बजाए, केवल शंख, अन्य बाजा नहीं, इस पक्ष से भगवान शंख बजा रहे थे,
और अर्जुन बजा रहे थे, इनके शंख का नाम भी संजय बता रहे हैं, पांच जन्यम हृषिकेशो देव दत्तम धनंजय, एक एक शंख का नाम। और भीमसेन तो मनुष्य की खोपड़ी बजाए, महाशंख कहते हैं उसको, भीम कर्मा बिरकोदर, महाशंख बजाए। महाशंख का अर्थ होता है मनुष्य की खोपड़ी, वही बजाए। इसलिए संजय जी कहते भीम कर्मा बिरकोदर, भयानक कर्म करने वाले। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर महाराज अनंत विजय नाम का शंख बजाए। नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पक, एक सुघोष नाम का शंख, एक मणिपुष्पक नाम का शंख, और अन्य वीर भी अपना अपना शंख बजाए। केवल शंख वादन हुआ, और उसके विषय में संजय क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र से ही सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारय, वह घोष शंख ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों और सैनिकों के हृदय को फाड़ दिया। कथा धृतराष्ट्र से ही कह रहा है, धृतराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारय, हृदय को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, मतलब उनके युद्ध का उत्साह समाप्त हो गया, हृदय फाड़ दिया, उत्साह चला गया। इतना ही नहीं गया, कितने के पैंट शैंट खराब हो गए केवल शंख ध्वनि से, और कितने वाहन से गिर गए, बेहोश है, चक्कर आ गया केवल। इस पक्ष में भगवान है ना, सैनिक कम है, लेकिन इधर घोष जो हुआ तो धृतराष्ट्र के सैनिकों का दिल दहला दिया, दुर्योधन आदि का, और सब गिर गए, बेहोश हो गए। कुछ अवसर दिया गया उनको ठीक होने के लिए, तो अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धृतराष्ट्रन कपित ध्वज, जब व्यवस्थित हो गए फिर से, जो गिर गए थे उठ करके, जैसे से घोड़ा पर चढ़े, रथ पर चढ़े, हाथी पर चढ़े, हथियार सब गिर गए थे, उनको ऐसा लगा कि बिजली गिर गई सबके ऊपर, शंख ध्वनि ऐसी हुई थी। तो अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धृतराष्ट्रन, जब धृतराष्ट्र के सैनिकों को, मतलब दुर्योधन के सैनिकों को, उनके पुत्रों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखे व्यवस्थित हो गए, तब हनुमान जी जिनकी जिनके ध्वजा पर है वे कपित ध्वज श्री अर्जुन, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में पांडवा, जब चुनौती का उत्तर दिया गया था, शंख वादन दोनों तरह से हो गया, तब शस्त्र संपात अब होने ही वाला था, अब बाण वर्षा और हथियारों की वर्षा होने ही वाली थी, होने वाली थी। तब तक तो अर्जुन के मन में क्या हुआ, भगवान ने प्रेरणा दिया धनु उद्यम में, अब खड़े हो गए रथ पर और धनुष को ऊंचा करके दोनों साइड में ऐसे दिखाए, रुको, धनु उद्यम में, उद्यम का धनुष उठा करके, धनुष चार हाथ लंबा होता है, छः फीट लंबा होता है, तो उसको उन्होंने दिखाया दोनों दल में एक सिंगल की तरह, रुको रुको, ऐसे धनुर्दम में पांडवा, जबकि युद्ध चालू होने वाला था, लेकिन अर्जुन एक विश्वविख्यात योद्धा थे, महान व्यक्ति थे, अतः तो उनके बात को लोगों ने माना। यद्यपि बिगुल बज चुका था, आह्वान हो चुका था, आओ आओ, ये आवाज़ भी आई थी और शंख वादन हो गया, लेकिन अर्जुन के रुकने से रुक गए। तो अर्जुन ने उस सभा के बीच में बड़े ही उत्साह से रोक दिए, और हृषिकेश संतदा के मिदा महीपते, हे महीपते, हे धृतराष्ट्र महाराज, तब अर्जुन ने हृषिकेश से यह कहा, रोक करके युद्ध रुक गया। तो अर्जुन बोले, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्छित, उसी की याद कर रहे हैं भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह के सामने ही वो इस चर्चा हो रही थी। तो संजय जी कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, हे अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होने वाले, अपनी महिमा से कभी गिरने नहीं वाले, हमारे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भगवान चकित हो गए, अरे दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करना,
अपने पक्ष में रह करके लड़ना है ना, क्योंकि सेनयोर उभयोर मध्य, उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेना के बीच में मे रथम स्थापय, मेरे रथ को खड़ा कीजिए। क्या क्या बात हो गई, क्यों? मान लीजिए भगवान पूछेगा ना, बीच में क्यों खड़ा करें? यदि भगवान पूछे नहीं, जिम ही अर्जुन कहे तभी ले जाकर खड़ा कर दिए, लेकिन फिर भी गीता की टीकाओं में बात प्रश्न किया गया है, क्यों क्यों खड़ा करें? जावत देता निरीक्षे हम जोधु कामा नवस्थिता। अच्छा, भगवान ने मानो पूछा कि कितना देर खड़ा रखे? जब तक मैं युद्ध की कामना वाले इन सैनिकों को देख नहीं लेता हूँ तब तक रथ खड़ा रखिए। भाई पर्पस भी सुना दिए कि जो ये युद्ध करने की इच्छा से जो आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। कैर मया सहजोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्य में, किनके किनके साथ मुझे लड़ना होगा, एस्टिमेट तो करना चाहिए ना, बिना सोचे समझे आदमी को फंस नहीं जाना चाहिए। कौन कौन लोग आए हैं जरा उनका चेहरा देख लें, हम भी तैयारी कर लें, इस्टीमेट करना। तो पहले दुर्योधन इस्टीमेट किया था तो द्रोणाचार्य को जाकर के उकसाया, वो डर गया था। अब अर्जुन के मन में इच्छा हुई क्योंकि हृषिकेश इंद्रियों के जो प्रवर्तक हैं वो प्रेरणा दे रहे थे, उनको तो उपदेश करना था जगत के हित के लिए, अर्जुन को बहाना बना करके, तो वे ऐसी प्रेरणा दिए, सैनिक देखने की इच्छा हो गई। कैर मया सहजोद्धव्यम, किनके किनके साथ मेरा युद्ध होगा मैं देखना चाहता हूँ इस रण समुद्र में। इसलिए आप युत्स्यमानान अवेक्षे हम, युद्ध करने की इच्छा वालों को मैं देखना चाहता हूँ, अवेक्षे अहम, युत्स्यमानान अवेक्षे अहम, ये समागत है। जो लोग यहाँ आए हैं और युद्ध की इच्छा से आए हैं मैं उनको देख लेना चाहता हूँ। धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव, विशेष करके मैं उन लोगों का चेहरा देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र का प्रिय करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। धृतराष्ट्र से कथा कही जा रही है और कह रहे संजय कि अर्जुन ने कहा कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने के लिए, प्रिय करने के लिए जो लोग यहाँ आए हुए हैं जरा मैं उनका चेहरा देख लूँ। बिल्कुल जोश में बोले, लड़ने के उत्साह से बोले, भगवान बस सुने सुने उनके वाक, तथास्तु कह करके रथ को ले, बहुत दूर नहीं ले जाना था। ऐसे सेना तो अब बहुत फाँका स्थान में खड़ी थी दूर दूर, तो बीच में ले जाकर खड़ा किया। एवं उक्तो हृषिकेशो गुडा केशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम, जो उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे उत्तम रथ था सब तरह से, जिसमें उजले उजले चार घोड़े जुते हुए थे, उस रथ को ले जाकर भगवान ने खड़ा कर दिया। और खड़ा करके इतना ही नहीं कहा, अर्जुन का अभिप्राय सुने थे तो वे कहते हैं स्थापित्वा रथोत्तमम भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे शांत महिक्षिता। अच्छा, रथ को कहाँ खड़ा किए? भीष्म द्रोण के बिल्कुल सामने सामने बीच में, उस पक्ष में वे सामने थे। सर्वे शांत महिक्षिता उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। और इसके बाद अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करने के लिए भगवान का ट्रिक देखिए, हृदय में तो है ही, वाणी भी ऐसा बोले कि हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, कुरुवंशियों को, महाराज कुरु के वंश में जन्म लेने वाले इन लोगों को देखो। तो अर्जुन स्वयं ही कुरुवंशी थे। पश्य एतान कुरुनीति, इन कुरुओं को देखो। और भी उंगली से दिखाए, अपने उंगली से दिखा दिखा कर कह रहे ये तुम्हारे दादा भीष्म है ना, ये तुम्हारे आचार्य द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य जी हैं, तुम्हारे मामा शैल्य हैं, ये महारथी कर्ण हैं। भगवान इस तरह से दिखा रहे थे जिससे अर्जुन के मन में
तुरंत मोह उत्पन्न हो जाए संबंध जान करके, ये हैं ऐसे हैं, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितरी नथ पिता वहाँ। अर्जुन की दृष्टि गई तो अर्जुन देखते हैं दोनों सेना में, उधर भी देखते हैं इधर भी देखते हैं, तो पितृन, पितृन का अर्थ होता है लगभग पिता के भाई छोटे या बड़े, देखे कई ऐसे संबंध में थे, और ससुर आदि भी ये सब पिता ही हैं, लेकिन उसके लिए अलग शब्द ही दे रहे हैं। पितृनथ पिता महान, आचार्यान मातुलान भ्रातृन, आचार्यों को देखे दोनों पक्ष में और मामा लोगों को देखे, भाइयों को, दुर्योधन आदि भाई थे, भाइयों को, पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा, पुत्रों को देखे, पौत्रों को देखे, सखाओं को जिनके साथ एक साथ खेले थे खाए थे उनको देखे, ससुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि, बार बार देख रहे हैं, इस सेना में देख रहे हैं अपनी सेना में तो उधर भी सब संबंधी, उधर देख रहे हैं तो उधर भी सब संबंधी, सारे सुहृद सारे ससुर स्याल है और जो भी उनको देखते ही अर्जुन अब परम कृपा से आहत हो गए, मोह छा गया और वे भगवान से कहने लगे, बड़े उत्साह से दिखाने के लिए कहे थे कि रथ ले चलिए, और देख करके क्या दशा हुई, दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण जीरुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, कृष्ण दोनों सेनाओं में अपने स्वजनों को देख करके मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है, वास्तव में दर्द उत्पन्न हो गया सब जगह, छाती में गला में हाथ में पैर में, सिदंती मम गात्राणी हमारे शरीर में पीड़ा हो रही है, सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, और कृष्ण मेरा मुख सुख रहा है, बोलने की भी शक्ति नहीं है, मेरा मुख सुख रहा है, और गांडीवम संसते संसते हस्ता त्वचैव परिदहित, गंडीव धनुष उठाने की शक्ति अब नहीं रह गई मुझ में, ये सरक रहा है, ये गिर रहा है, मैं उठा नहीं सकता हूँ, हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं रहे, और त्वचैव परिदहित, और ऐसा लग रहा है हमारे सारा शरीर जल रहा है, चमड़ा जल रहा है, नच सकने में अवस्था तुम भ्रमती वच में मना, मैं यहाँ रथ पर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है, मैं लगता है कि गिर जाऊँगा, इतना उत्साह से एस्टिमेट करने गए सेना का, और देखने के बाद अब भगवान हिसी के हृदय में है, वो ऐसा मोह पैदा कर दिए, नच सकन में अवस्था तुम, मैं अवस्थान करने के योग्य नहीं हूँ, खड़ा मैं नहीं रह सकता, शरीर भी खड़ा नहीं रह सकता, मन भी चक्कर खा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं नर्वस होता जा रहा हूँ, निमित्तानी चपस्यामी विपरीतानी केशव, और जो निमित्त मैं शकुन देख रहा हूँ, बहुत से अब शकुन देख रहा हूँ शरीर में आकाश में और धरती में, सब जगह मुझे अशुभ दिखाई दे रहा है, हमारे सब बाएँ अंग फड़क रहे हैं, मैं शुभ नहीं देख रहा हूँ, नच श्रेयन उपस्यामि हत्वा स्वजन महावे, मैं विचार करके देख रहा हूँ भाई क्यों ये स्थिति तुम्हारी हो गई, मान लीजिए भगवान पूछ दें कि ये स्थिति क्यों हो गई, मैं इस युद्ध में अपना कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, कल्याण नहीं देख रहा हूँ, इसमें हमारा कोई हित नहीं होगा, इस युद्ध में अपने बंधुओं को मार करके मैं कोई भी भलाई नहीं देख रहा हूँ, हत्वा स्वजन आहवे, आहो मैंने युद्ध में मैं अपने स्वजनों को मार करके कोई भलाई नहीं देख रहा, तो भगवान ने मानो कह दिया कि क्या क्यों नहीं मंगल है, क्यों नहीं भलाई है, राज्य मिलेगा सुख मिलेगा भोग मिलेगा,
न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें सुख भोग नहीं चाहिए। किम भोगे न गोविंद किम राज्य न गोविंद भोगे जीवते न वा। क्या इससे सुख मिलेगा, हमारा क्या प्रयोजन है, राज्य हम लेकर क्या करेंगे और भोग भोग कर क्या करेंगे, अरे हम जी कर क्या करेंगे, हमको जीने की इच्छा नहीं है। मैं शत्रुओं मैं अपने स्वजनों को मार करके जीना नहीं चाहता। और बड़े ही दर्दनाक स्वर में अर्जुन कहते हैं, जैसा मर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखान। कृष्ण इस संसार में व्यक्ति राज्य कमाता है, धन जुटाता है, भोग जुटाता है, किसके लिए, अपने स्वजनों के लिए ना। तो जिनके लिए धन कमाया जाता है, जिनके लिए राज लिया जाता है, भोग भोगा जाता है, वही सब यहाँ मरने के लिए तैयार है। जैसा मर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानी च तइमें वसिता युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए धन कमाया जाता है, परिश्रम किया जाता है, सब जुटाया जाता है, वही सब यहाँ मरने के लिए तैयार है। ये प्राण त्याग चुके हैं, मतलब प्राण त्याग चुके हैं इसका मतलब है कि अब तो युद्ध में मरने के लिए तैयार हैं। धन तो छोड़ ही दिए हैं, धन तो छूट ही गया, मरने के बाद तो सब छूट ही जाता है, प्राण भी चला जाता है। तो जिनके लिए, जिनको सुखी करने के लिए, जिनको समृद्ध रखने के लिए सब धन कमाया जाता है, राज कमाया जाता है, वही सब मरने के लिए तैयार है। मर जाएंगे तो फिर ये धन क्या होगा और जी करके ही क्या होगा, इसीलिए हम तो इसमें कोई हित नहीं देख रहे हैं। हम इन धृतराष्ट्र पुत्रों को या किसी को भी मारने के योग्य नहीं, हमें नहीं मारना चाहिए। ये सब बातें करते करते तो भगवान ने मानो कह दिया होगा कि तू क्या दोष है इसमें, और क्या दोष है, मान लो राज भोगने में, इनकी हत्या करने में क्या दोष। तो कहते हैं कि इससे स्वजनों का विनाश होगा, हमें पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा याद करके कह रहा हूँ। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो पहत चेत सह, भगवान ने कह दिया, लेकिन ये तो ऐसा नहीं सोच रहे, तुम तो सोच रहे कि हमारे स्वजन हैं, इनको मारने से हमारा हित नहीं होगा, लेकिन ये तो सब तुम्हारे विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, ये तो सब कुछ नहीं देख रहे हैं। तब अर्जुन कहते यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो पहत चेत स, यद्यपि ये लोभ से उपहत बुद्धि वाले हैं, इनकी बुद्धि मारी गई है, ये नहीं देख रहे हैं कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, यद्यपि ये नहीं समझ रहे हैं, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही लोभ के कारण, कि कुल का नाश करने में कितना बड़ा दोष होता है और अपने मित्रों से संबंधियों से द्रोह करने में, बैर करने में कितना घाटा होता है, ये नहीं समझ रहे हैं इस पाप को। कथन गेम अस्मा भीर, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं जानना चाहिए, हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, हम लोगों को जानना चाहिए। पापा अस्मा निवर्तितुम, इस पाप से निवर्तन के लिए हम लोगों को जानना चाहिए। कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन, हे जनार्दन हम लोगों को तो देखना चाहिए ना, हम लोग तो समर्थ हैं ना, कैसे युद्ध करके स्वजनों को मारने से कुल का नाश होगा, इस दोष को हम लोग समझ रहे हैं, तो हम लोगों को तो युद्ध नहीं करना चाहिए। देखिए अर्जुन का ज्ञान, इसको कुमति कहे हैं भीष्म पितामह अगले श्लोक में। भगवान से इस तरह का तर्क देना, तो अर्जुन ने भगवान के नित्य परिकर हैं, पार्षद हैं, भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए आए हैं। कृष्ण के अलावा कहीं चित्तवृत्ति नहीं जानी चाहिए, कृष्ण की आज्ञा के अलावा और कुछ करना नहीं चाहिए, न करते हैं पार्षद लोग, पर कृष्ण वहीं रथ पर बैठे हैं और उनकी बात न मान करके, और बंधुओं के प्रति इतनी ममता करना, ये हमारे ससुर हैं, हमारे मामा हैं, ये हमारे पौत्र हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे साले हैं, ये आचार्य हैं, ये हैं, वो हैं, भगवान रथ पर बैठे हुए हैं, ये कहते हैं
हम लोग पाप करने जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि वे कह रहे हैं कि तुमको भी बुद्धि नहीं है, तुम पाप कराने जा रहे हो, सारथी बन करके सबकी हत्या कराना चाहते हैं। इतना आक्षेप भगवान पर कर देना, ये पार्षद के लिए कुमति है। यद्यपि सांसारिक दृष्टि से अर्जुन का विचार बहुत उन्नत है, इस तरह से स्नेह और दया का भाव होना कितनी ऊंचाई है वास्तव में अर्जुन में। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा विचार बहुत कम लोगों के मन में होता है, अपने बंधुओं के प्रति, संबंधियों के प्रति प्रेम होना, दया होना, भोग भोगने की लालसा न होना, राज नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, ये तो अच्छा चीज है ना। लेकिन भगवान की बात न मानना और भगवान को भी ये कहना कि पाप कराने जा रहे हैं, कुल का क्षय कराने जा रहे हैं, कुछ भी कुल के साथ संबंध है, संबंधियों के साथ संबंध है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी संबंध नहीं है किसी के साथ व्यक्ति का, केवल संबंध कृष्ण के साथ है व्यक्ति का, किसी का भी केवल संबंध उनके साथ है। और ये तो दो दिन का संबंध है, कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई भाई बना, मामा बना, ससुर बना, ये सब जब तक ये शरीर है, ये शरीर का संबंध है, आत्मा का नहीं। कृष्ण के साथ तो आत्मा का संबंध है, और आत्मा शरीर बदलने पर मरता नहीं, वो निरंतर रहेगा, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। कृष्ण संबंधी हैं, वही असली माँ है, वही असली पिता है, वही असली भाई हैं, पति हैं, सब कुछ हैं, वे स्वामी हैं। बस उनकी आज्ञा मानना जीव का धर्म है किसी भी स्थिति में। तो व्यक्ति इन लौकिक संबंधों को देख करके भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाता, भगवान को जीवन में महत्व नहीं देता, यही कुमति है। यदि लौकिक दृष्टि से बहुत उन्नत विचार है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह से परिवार की चिंता करना, परिवार के भूत की, भविष्य की चिंता करना, और भगवान रथ पर बैठे हैं उनको कोई भी आदर नहीं करना, हृदय में बैठे हैं, सबके शरीर रथ में भी हैं, लेकिन भगवान का कोई कदर नहीं, कभी भगवान की आरती नहीं, भगवान को भोग नहीं लगाना और कुछ नहीं करना, केवल परिवार संबंधी, ये माया में व्यक्ति पड़ा रहता है, यह कुमति है, इसका भगवान ने हरण किया। तो भीष्म पितामह उस दिन की याद करें तो अर्जुन ये कहते हैं कि कुल का क्षय होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, युद्ध से सबसे बड़ी जो दुरस्थिति या सबसे बड़ा दोष आएगा वो क्या होगा कि कुल में जब बड़े बूढ़ों का भी, युवकों का भी वध हो जाएगा तो धर्म, जो कुल का धर्म है, जाति का धर्म है, नष्ट हो जाएगा तो अधर्म बढ़ जाएगा, जो नहीं करना चाहिए वो बढ़ जाएगा, जो करना चाहिए वो नहीं होगा, शास्त्र के नियम लोग नहीं मानेंगे। अधर्म होने से अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदूष्यंत कुल स्त्रिय, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी मतलब अयोग्य व्यक्ति उन्हें भोगेंगे और उनसे जो संतान होगी वो वर्ण संकर होगी। और ऐसा कहा गया है कि जब वर्ण संकर होते हैं तो वे कुल के जो नियम हैं, जाति के नियम है, उसका पालन नहीं करते, वर्ण संकर ऐसे होते हैं। तो वर्ण संकर कारक लोग जो हैं, जैसे हम लोग होंगे अगर युद्ध कर रहे हैं तो स्त्रियां दूषित होंगी और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर कुल के धर्म, जाति धर्म, इन सब का पालन नहीं करेंगे तो पितर भी नरक में गिर जाएंगे, जो ऊंचे लोकों में हैं वे भी नरक में गिर जाएंगे और भविष्य में कोई सदगति नहीं पाएगा, क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड दान करने की, जल दान करने की क्रियाएं सब लुप्त हो जाएंगी। ये अर्जुन को चिंता है और किसी भी व्यक्ति को वास्तव में चिंता करनी चाहिए।
अर्जुन जिसकी चिंता कर रहे थे वो काल तो इसमें वर्तमान है, पिंड उदक की क्रिया सब समाप्त देख ही रहे हैं। अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसिता परम जदराज सुखलोभ है न हम तुम स्वजन मुद्यता। फिर कृष्ण को शान करके कह रहे हैं हम लोग महापाप करने जा रहे हैं, अपने स्वजनों को मारने के लिए इतनी तैयारी करके और उद्यत हो गए हैं, हम लोग अब महापापी हैं, पाप करने जा रहे हैं। भगवान ने कह दिया तुम इनके साथ नहीं लड़ोगे तो ये तो तुमको मारेंगे। तो अर्जुन कहते हैं यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धारतराष्ट्र रणे हनु तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि मैं चुपचाप हो जाऊं, हथियार छोड़ दूं, गांडीव धनुष पटक दूं और उस समय आकर के हमारा वध कर देंगे तो हमारे लिए परम कल्याण यही है, हमको ये मार दे, हम नहीं मारेंगे। इस तरह से श्री कृष्ण से कह करके और रथी के स्थान से पीछे जाए, वहाँ बैठ गए पीछे रथ पर, पिछले भाग पर। अब विशिर्ज सशरम चापम अपना तरकस बाण और धनुष भी पटक दिए और कहे हम नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा नहीं करें। आँखों में आंसू भर आया, वास्तव में शोक में हो गए, विषाद में हो गए। तो संजय कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण से कह करके अश्रुपूर्णा कुलक्षणम आंसू से भर गया और गला गदगद हो गया, वो खड़ा नहीं रह सके, वास्तव में बैठ गए। कहे थे नच सकलों में अवस्था, तुम रथ पर खड़ा नहीं रह सकता, वो खड़ा नहीं रह पाए, उनको बिल्कुल बेहोशी जैसी आ गई और पीछे बैठ गए, रो रहे थे। तो ये सोच रहे थे कि भगवान हमारी बात का अनुमोदन करेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है, अनाउंस कर दिया जाए कि युद्ध नहीं होगा, आप चले घर, वो ये सोच रहे थे। तब तक तो भगवान ने इतना बड़ा कुठारा घात किया, चट्टान ही पटक दिया अर्जुन पर, अर्जुन के विचार को उन्होंने इतना गलत कहा। कुतस्ता कस्मल मिदम विषमे समुपस्थितम, इस विषम स्थल में, इस युद्ध भूमि में तुम्हारे हृदय में ये कचड़ा कहाँ से आ गया, कस्मलम ये बिल्कुल कुविचार दोष कहाँ से आया, कुतस्ता कुतः मैंने कहाँ से, अरे इस प्रकार का कंडम विचार तुम्हें कैसे आ गया इस विषम युद्ध स्थल में। अनार्ज जुष्टम अस्वर्गम अकृति करम अर्जुन, ऐसा अर्जुन ने नहीं किया है, सज्जन पुरुषों ने ऐसा नहीं किया है, और ऐसा करने से तुम्हारा परलोक भी बिगड़ेगा, अस्वर्गम तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, परलोक बिगड़ेगा और इस लोक में भी अकीर्ति करम अर्जुन, हे अर्जुन इस लोक में तुम्हारी बहुत अकीर्ति होगी कि जब युद्ध में सैनिकों को देखा तब दया का बहाना बना करके भाग गए, तुम्हारी निंदा होगी, लोग ये नहीं अप्रिशिएट करेंगे कि दया करके अर्जुन युद्ध छोड़ दिया, बल्कि वो हिंजड़ा ही है, तुम रहे हो ना एक साल हिंजड़ा नपुंसक, लोग यही कहेंगे कि सेना को देख कर डर करके भाग गया, ये तुम्हारी अकृति होगी। क्लैब्यम मास मगमह पार्थ, अरे तुम प्रथा के पुत्र हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, प्रथा की बात याद करो, किस तरह से तुमको उसने युद्ध के लिए कहा है, प्रथा की बात याद करो और इस तरह से नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्षुद्रम हृदय दौर बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप, अरे तुम सदा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हो, तुम ये हृदय की दुर्बलता छोड़ो, हृदय की कमजोरी छोड़ो। भगवान ने इस अर्जुन के महान विचार को हृदय की दुर्बलता कह दिया, अर्जुन के लिए सबसे भारी निंदा थी। क्लैब्यम मास मगमह पार्थ, क्लैब्य का अर्थ होता है क्लीबता, नपुंसकता, नपुंसक हिंजड़ा, इस हिंजड़ापन को छोड़ो, इस तरह से तुम्हारे भीतर आना ये विचार दूषित है, चलो उठो, ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ो, हृदय दुर्बल दौर्बल्य को त्यागो और उत्तिष्ठ, चलो उठो खड़ा हो। वह बैठ गए थे बाण और धनुष फेंक करके, भगवान कहते चलो उठो।
जब भगवान ने इस तरह से उनके विचार पर आक्षेप किया, गलत ठहराया, तब अर्जुन सहन नहीं करते, तुरंत कहते हैं कथम भीष्म महम संख्य द्रोणम च अरिशूदन, नहीं द्रोणम च मधुसूदन इसुभी प्रतिज्योत्स्यामि भुजार हौर अरिशूदन। एक ही श्लोक में मधुसूदन और अरिशूदन भगवान को संबोधित किए। मैं भीष्म पितामह के साथ बाण, भीष्म पितामह पर बाण कैसे चलाऊंगा, द्रोणाचार्य पर मैं बाण कैसे चलाऊंगा, इस तरह से कह रहे हैं। पुजार हो, ये हमारे पूजा के योग्य हैं, हमारे सम्मान के योग्य हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊंगा। मैं जिनके चरणों पर फूल चढ़ाया हूँ, जो स्नेह से हमारे पालन किए हैं, जो हमें धनुर्विद्या सिखाए हैं, और हमारे दादा भीष्म पितामह सामने ही हैं दोनों, मैं इनके साथ इसु भी बाणों से कैसे युद्ध करूँगा, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊँगा, मैं नहीं युद्ध कर सकता। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भयक्षमपि लोके, हत्वार्थ कामांश गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैं इन गुरुओं का वध न करके, इन पर बाण न चला करके, अगर मुझे ये स्थिति आ जाए कि मुझे भिक्षा मांगना पड़ेगा, मैं राजा का पुत्र हूँ लेकिन फिर भी अगर मुझे भिक्षा मांगना पड़े, क्षत्रिय होकर भी भिक्षा मांगना उसके लिए मरण है, फिर भी मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भीष्म पितामह पर और गुरु द्रोणाचार्य पर मैं बाण नहीं चला सकता। भिक्षा मांग करके जी जाऊँगा ये हमारे लिए कल्याण की बात है। जिस दिन मैं गुरुओं का वध करूँगा और गुरु का वध करके मुझे अर्थ और काम मिलेगा, सुख भोग मिलेगा, राज मिलेगा, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरुओं के खून से सना हुआ राज मैं भोग रहा हूँ। गुरुजनों के, दादा के और द्रोणाचार्य के और कई गुरुजन हैं, इनके खून से सना हुआ मैं भोग नहीं भोग सकता। मैं भीख भले मांग लूँगा। और फिर कहते हैं न चैदत विद्मोह कतरन्नो गरीयान जदवा जय में यदिवानो जय यू जाने व हत्वा न जिजी विषामते व सीता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। और मुझे यह भी पता नहीं है कि किस बात में मेरा हित है, और इस युद्ध में मैं जीतूंगा इनको कि ये जीतेंगे हमको, ये भी पता नहीं है। लेकिन साफ कह देता हूँ, मैं जिनकी हत्या नहीं करना चाहता हूँ, जिनको मारना नहीं चाहता, वही सब धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, हमारे वंश के, हमारे बड़े पिताजी के वंश के, ये भाव है ताऊ के बेटा सब खड़े हैं, हमारे वंश के, मैं इनको मार नहीं सकता। तो जब इतना अर्जुन ने कहा, भगवान सुन रहे थे, इसके बाद कहे तब अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, युद्ध नहीं करोगे तो चला जाए ना, चलो हस्तिनापुर में आराम करें, यही करना है ना। और भी हस्तिनापुर अभी कहाँ अपना हुआ है, हस्तिनापुर में भी ठिकाना नहीं है, अभी तो अज्ञातवास करके आए हैं लोग, राज नहीं मिला है, उसी राज्य के लिए तो युद्ध होने वाला। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तब तो तुम्हारी बात मान करके महाराज युधिष्ठिर से कहा जाए कि अनाउंस करवा दे कि युद्ध नहीं होगा, यही करना चाहिए। हम तो तैयार हैं, हमको तो केवल रथ हाँकना है, तुम नहीं लड़ोगे तो हम रथ थोड़े चलाएंगे, हमको तो रथ केवल चलाना है, अगर तुम युद्ध करोगे, नहीं करोगे ठीक है मैं द्वारका जाऊंगा और ये सब रथ आदि जहाँ ले जाना हो ले जाए। तब महाराज युधिष्ठिर से पूछा जाए ना, और ये जो भी युद्ध का संचालन हो रहा है अर्जुन के डायरेक्शन में हो रहा है, यही कहा जाएगा ना, अर्जुन नहीं लड़ना चाहते ठीक है युद्ध बंद कर दिया जाए, यही ठीक है। प्रचार यही होगा कि अर्जुन डर करके युद्ध छोड़कर भाग गया। तो जब भगवान ने इस तरह से कहा कि ठीक है तो तुम्हारे पीछे चले ना हम लोग, युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे पीछे चलेंगे ना, तब अर्जुन यहीं पर अब
चक्कर खाए खाने लगे। कार्पण्य 275 स्वभाव पृच्छा निताम धर्म समुद्ध चेत कृपणता दीनता के कारण मेरी बुद्धि अपहत हो गई है और मैं नहीं समझ रहा हूँ धर्म के विषय में। मैं समुद्ध चेता मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है। जत गृहितल में तो हमारा जिसमें हित है हम नहीं कह सकते, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो हमारा जिस बात में हित है, लड़ाई करने में है कि लड़ाई नहीं करने में, आप विचार करके कहिए, आप विचार करके कहिए। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई तुम रथी हो और ऊपर से मित्र हो, तुमसे हम क्या कहें। तो नहीं नहीं हम मित्र इस समय नहीं हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमको सिखाइए। माम साधी माम प्रपन्न, मैं आपके शरण में हूँ। देखिए भगवान भगवान है, कोई कुछ भी हो जाए तो भगवान तो भगवान है और जीव तो जीव है। अर्जुन रथी होते हुए भी कृष्ण को समर्पण कर दिए, मैं आपका शिष्य हूँ, इसका मतलब आप हमारे गुरु हैं। मैं आपकी आपके डायरेक्शन में चल रहा हूँ, आपकी बुद्धि से चल रहा हूँ, तब इतना फिलॉसफी क्यों झाड़ रहे हो। तो ये कहते हैं कि धर्म समूढ़ चेता, मैं अपने धर्म के विषय में समूढ़ चित वाला हूँ, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप हमको सिखाइए। और कृष्ण एक बात मैं देख रहा हूँ, नहीं प्रपस्या नहीं है? नहीं प्रपस्या में ममापनुद्या जच्छोक मुच्छो सर्मिंद्रियाणाम अवात घूमा व सपत्न वृद्धम राज्यम सुदानम अपिचाधिपत्यम। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं देख रहा हूँ, अरे आपके अलावा संसार में किसी को नहीं देख रहा हूँ जो मेरे शोक को दूर कर दे, शोक को सुखा दे। मुझे इतना शोक हो रहा है जैसे समुद्र में जल ही जल है, ऐसे शोक ही शोक छाया हुआ है। तीनों लोकों का राज्य मुझे मिले और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे मिले, उससे मेरा शोक नहीं जाएगा। तो आप हमको सिखाइए कैसे मेरा शोक जाएगा। लेकिन एक बात है, आप हमको सिखाइए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध के अलावा जो सिखाना हो सिखाइए। इतना अर्जुन दुख में थे और बंधुओं के मुंह में न ज्योत्स्य, अंत में भी यही कहे कि हमको सिखाइए, आप हमारे गुरु हैं सब, लेकिन युद्ध के अलावा सिखाइए। मैं युद्ध नहीं कर, न ज्योत्स्य यही लास्ट शब्द था, आप हमको सिखाइए लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। तो ये समर्पण क्या है? मैं क्या करूं, आप हमको डायरेक्शन दीजिए, सिखाइए, मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन युद्ध के अलावा सिखाइए। तो ये बात सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे, रथ पर बैठे बैठे पहले चिंता की मुद्रा में थे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं अर्जुन ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाहरी से दिखा रहे थे कि बाप रे बाप रथी यहाँ फंस गया, नहीं लड़ रहा है, तो चिंता की मुद्रा में थे। लेकिन जब अर्जुन ये कहे कि मैं आपका शिष्य हूँ और ये भी कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध के अलावा और सिखाइए, शोक बढ़ा हुआ है तो शोक तो स्वजनों के वध की चिंता से हुआ है, तो युद्ध करने पर तो वध होगा ही, तो शोक जाएगा नहीं, ये कहने का आशय था। अतः युद्ध के अलावा हमको सिखाइए जिस बात में हमारा हित है। और श्री कृष्ण को उनको उनसे युद्ध ही कराना था। तो भगवान को हंसी आने लगी। इस हंसी पर आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान सोचने लगे कि हमारा मित्र, हमारा बराबर का संबंधी आज हमारा शिष्य बन रहा है। अच्छा, उस पर भी समर्पण कर रहा है लेकिन कहता है कि ये काम नहीं करूँगा और हमको सिखाई, तो सिखावे का खाक सिखावे। इस तरह से भगवान को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी जो अर्जुन के समर्पण को समझ गए तो भगवान कहने लगे,
हंसते हुए कहते जो पहला श्लोक प्रसिद्ध है ना हम हाँ सबसे पहले बोलते हैं असोच्या नन सोचस तुम प्रज्ञा बाधा से भाषते गता तुमने कथा सोच नान सोचंत पढ़ लीते तुम नहीं सोच करने योग्य व्यक्ति के लिए सोच कर रहे शोक कर रहे हो और विद्वान जैसा बोल रहे हो बोली में प्रवचन करने में तो तुम विद्वान हो और जब इस प्रकार की बात बोलते हो विद्वान जैसी तो रो क्यों रहे हो आनंद से प्रवचन करते मैं रो भी रहे हो इतनी भारी फिलॉसफी चाट रहे हो पंडित तो वे हैं जो मरे हुए के लिए या जीवित के लिए किसी के लिए शोक नहीं करते नत्वम ने क्या है नत्वे वाहम जातुनासन नत्वम ने में जनाधिपा न चैवम न भविष्यम सर्वे वय मतः परम इस तरह से भगवान चालू करते हैं देह नोस्मिन जथा देह कौमारम जौनम जब चालू हुआ भगवान का तो उसी की याद भीष्म पितामह कर रहे हैं सपदि सखी बचो निशम्य अपने सखा अर्जुन की बात को सुन करके तत्काल ही निज परयो बलयो अपनी सेना और पर शत्रु की सेना दुर्योधन की सेना के बीच में रथ को जो स्थापित किए और अपनी दृष्टि से ही पर सैनिकायु रक्षणा दूसरे पक्ष के सैनिकों की आयु सैनिकों के आयु को अपने दृष्टि से ही काल दृष्टि से ही हर लिए ऐसे पार्थ सखा में मेरी रति हो यह है अर्जुन का सखत्व अर्जुन का रथी केवल नहीं भगवान हाँ के बिल्कुल आज्ञावह सेवक जैसे व्यवहार आज्ञा अर्जुन की जो है तत्काल देर नहीं किए अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए तो भगवान ने बहस नहीं किया क्यों क्या जरूरत है ऐसा नहीं कहा हम जो बीच में प्रश्न उठा रहे थे वो आचार्यों की टीका से एक समझने के लिए किया जाता है लेकिन भगवान बोल नहीं रहे थे दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ खड़ा कीजिए तब तक मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारे साथ युद्ध करने आए वो सुनना था वचन और भगवान रथ को ले गए सपदी शब्द इसमें सपदी का अर्थ है तुरंत सपदी सखी बचो निशम्य सखी बचा मतलब अर्जुन के वचन को सुनकर कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ खड़ा कीजिए ये सुनते ही भगवान अपने उत्तम रथ को ले जा करके खड़ा किए तो सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परेर बलय पांडव बल को पांडव सेना को भीष्म पितामह कह रहे हैं निज जो श्री कृष्ण पांडवों की सेना को अपनी सेना समझते थे इसलिए उसमें निज शब्द है और पर शत्रु की सेना दुर्योधन की सेना तो अपनी सेना अर्थात पांडवों की सेना और दुर्योधन की सेना इन दोनों सेनाओं के बीच में मध्य स्थितवती रथ ले जाए ले गए और वहाँ पर अस्थित हो गए अस्थित होने का ही अर्थ है कि अर्जुन से ये नहीं कहे जल्दी जल्दी देखो अब लड़ाई करना है बिगुल बज गया है अब चालू होना चाहिए ऐसा नहीं कहे इत्मीनान से जितना देखना हो जो ही करना हो करो और बीच में जब रथ हुआ तो रथ बहुत देर तक रुका रहा ना अब जब तक गीता का प्रवचन नहीं हो जाएगा तो रथ तो बीच में ही था और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि सब सुन रहे थे पूरा पूरा उपदेश और भगवान की ऐसी व्यवस्था थी उस युद्ध में कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे तो बहुत से सैनिकों को ये उपदेश सुनाई दे रहा था भगवान मेघ के गर्जन के समान बोलते थे जब बादल आकाश में गरजे तो कई किलोमीटर में आवाज़ जाती है ना भगवान जब गीता बोल रहे थे तो सारे सैनिक सुन रहे थे और भगवान का ऐसा प्रभाव है ऐसी महिमा है वे बोल रहे थे तो सब युद्ध छोड़ करके चुपचाप सुन रहे ऐसा नहीं कि क्या ये बकवास कर रहे हैं क्या बीच में बात कर रहे हैं युद्ध होना चाहिए ऐसा नहीं था भगवान का अद्भुत तेज है प्रभाव है अगर भगवान बोल रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा महारथी जब कोई बात हो गई है पूछताछ कर रहा है
तो ठीक ही है, सब लोग रुक गए थे। युद्ध का बिगुल बज जाने के बाद गीता का उपदेश हो रहा है, कितनी शांति से भीष्म पितामह आदि आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उस दृश्य को भीष्म पितामह आज अपने मृत्यु के समय, आयुष काल की समाप्ति के समय याद कर रहे हैं कि अपने सखा के वचन को सुन करके जो तुरंत ही अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित किए और वहीं रुके, और वहाँ से पर सैनिक आयु रक्षणा, शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु को अक्षणा अपने अक्ष से हर लिए, अपनी काल दृष्टि से हर लिए। भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को विजय दिलाए तो सैनिकों की आयु को अपनी दृष्टि से हर लिए। दृष्टि से हरने का यह अर्थ है कि जब सैनिकों ने, कौरव पक्ष के वीरों ने जब भगवान को देखा तो सबके मन में हो गया कि अर्जुन का विजय निश्चित है, कृष्ण का ऐसा तेज था, प्रभाव था, तो उनको देख करके उनका आयु समाप्त ही हो गया। और आयु समाप्ति का एक अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं, भगवान केवल अर्जुन की तत्कालिक कुमति का हरण ही नहीं किए, सैनिकों के प्रारब्ध का हरण कर लिए। वो केवल ये देह, ऐसा नहीं कि ये मरेंगे तो फिर दूसरा देह मिलेगा, ये सारे सैनिक कुरुक्षेत्र के भगवान के धाम में जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह अर्थ है उम्र को हर लिए, तो उम्र का यह अर्थ है कि आगे अब प्राकृत शरीर नहीं मिलेगा, उनको भी मुक्त कर दिए। क्योंकि कृष्ण सबके प्रति दयालु हैं, सभी उनके पुत्र हैं, उनमें द्वेष भाव किसी के प्रति नहीं है। यह तो उनकी लीला है कि कुरुक्षेत्र के अपने इस धाम में वे खेल रहे थे, ये दिखा रहे थे कि हमारा पक्ष है, शत्रु का पक्ष है, लेकिन वे किसी पक्ष के नहीं हैं, वे सबके हैं। तो दुर्योधन के सैनिकों के प्रारब्ध का हरण कर लिए, शरीर बंधन समाप्त हुआ है, और इस तरह से उन्होंने अर्जुन को विजय दिलाना निश्चित कर लिया। तो इस तरह से जो हिताचरण कर रहे हैं, अर्जुन की सहायता कर रहे हैं और अपनी काल दृष्टि से सैनिकों की आयु का हरण कर लिए, ऐसे पार्थ सखा में मम रति अस्तु, मेरी रति रहे, मेरा प्रेम रहे, जन्म जन्म जुग जुग तक केवल मैं पार्थ सारथी से प्रेम करूं, मेरा मन केवल उनमें रमे। अब गीता के उपदेश की बात कर रहे हैं। व्यवहित मुखम निरीक्ष स्वजन बधाद विमुखस्य दोष बुद्धि। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष, व्यवहित का अर्थ है सजी हुई, व्यूह के आकार में खड़ी की हुई सेना को प्रीतना मुखम। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब सेना के नायकों को अर्जुन ने देखा, प्रीतना मुखम, मुझको, आचार्य द्रोण को या कर्ण को, किसी को भी प्रीतना मुखम, लोग सेनापति थे, प्रीतना मतलब सेना, जब सेना नायकों को सामने से अर्जुन देखे, मुखम निरीक्ष, तो उन्होंने देखा कि सारे स्वजन ही आए हैं युद्ध में, तो स्वजन बधाद विमुखस्य, वे स्वजनों के बध से विमुख हो गए। जैसा कहा गया कि ये भावना कि इसमें दोष है, कुल का नाश है, हम लोग पाप करेंगे, पतन सब हो जाएगा, तो विमुख हो गए। किससे विमुख हुए? युद्ध से नहीं, कहकर स्वजन बधाद विमुख से, अपने स्वजनों के बध से विमुख हो गए। क्यों? दोष बुद्धिया, भीष्म पितामह कहते हैं दोष बुद्धि करके कि इनका वध करने पर दोष होगा, पाप होगा, इसलिए विमुख हो गए। तो ये प्रश्न हो सकता है भीष्म पितामह से कि अर्जुन जो युद्ध से विमुख हुए तो क्या यह खराब था? तो भीष्म पितामह कहते हैं कुमति, ये कुमति थी अर्जुन की, कुत्सित मति, दूषित मति, भगवान का नित्य परिकर हो करके और इस तरह से देह के संबंधियों में इतनी ममता करना,
अर्जुन को तो चाहिए कृष्ण जो कहते हैं करें, और यही उन्होंने किया। कुमतिम अहरत, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश करके कुमति हर लिया, कुत्सित बुद्धि हर लिया अर्जुन की। और केवल अर्जुन की नहीं हरा, ये गीता जब तक विद्यमान रहेगी इस संसार में तब तक इसको पढ़ने वाले सुनने वाले की कुबुद्धि नष्ट होती रहेगी। तो भगवान ने ये कुमति नाश की योजना बना दी। सुमति क्या है? सुमति वही पार्थ सखे रतिर ममास्तु, पार्थ सखा में अर्जुन सखा में प्रीति होना, भगवान कृष्ण से प्रेम होना, उनका श्रवण कीर्तन आदि करना, उनकी सेवा करना, यही सुमति है जीव की, उनकी आज्ञा का पालन करना। जैसे अंत में अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब समझ में आ गया। क्योंकि आप ही जीव के पूज्य हैं, आप ही प्रिय हैं, आपकी रुचि का पालन करना ही जीव का धर्म है, तो मैं आपकी बात का पालन करूंगा। लेकिन इसके पहले जो विचार दे रहे थे वो सब कुमति थी। देखिए संसार में ऐसे ऐसे पंथ हैं, संस्थाएं हैं, जो लौकिक बातों को इतना हाईलाइट करते हैं और दुनिया के लोग समझ नहीं पाते, ये सोचते यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। पर कोई भी धर्म जब कृष्ण प्रीति के तरफ पर्यवसित होता है, कोई भी काम करें, सवई पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे, कोई काम हो, कोई कर्तव्य हो, और वो करने से अगर कृष्ण में अखंड प्रेम होता है और निष्काम प्रेम होता है तो यही है हमारा धर्म। और जो काम करने से कृष्ण से मन हट रहा हो तो वो धर्म नहीं है, चाहे बाहर देखने में कितना भी धर्म लगे। सवई पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता जजात्मा सुप्रसिद्ध। तो कृष्ण में जो प्रेम बढ़ावे वही काम धर्म है। तो अर्जुन जिस धर्म की दुहाई दे रहे थे वास्तव में वो स्वयं ही कृष्ण को भूल चुके थे। तो इस दशा में भगवान ने कुमति का हरण किया। कैसे हरण किया? आत्मविद्या, आत्मविद्या से, आत्मविद्या, आत्म शब्द कृष्ण के लिए है, आत्मविद्या से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं स्वनिष्ठ विद्या, अपने विषय में भगवान ने ज्ञान दिया है गीता में, अपना ज्ञान दे। कृष्ण के बारे में जब तक जानकारी नहीं हुई तब तक जीव की कुमति नहीं जाएगी। कृष्ण प्रभु हैं, ईश्वर हैं, हमारे त्राता हैं, हमारे प्रिय हैं, वही जगत को बनाए हैं, वही चला रहे हैं, और वो सबका पालन करेंगे। हमारा कर्तव्य है उनके अधीन रहना, सेवा करना, ये सुमति है। कृष्ण प्रभु हैं, जगत के रचयिता हैं, सभी जीवों के पालक हैं, यह है आत्मविद्या कृष्ण के विषय में। देखिए पूरे गीता में भगवान ने अपने बारे में कितनी बातें कहा है। 15वें अध्याय में कहते हैं, कई बात में एक बात कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम माश्रितम प्राणापान समाजयुक्तम पचामन्नम चतुर्विध, मैं सभी जीवों के, सभी प्राणियों के शरीर में हूँ वैश्वानर के रूप में, अग्नि के रूप में, और कोई भी जीव जो खाता है चतुर्विध ले ये चोस चर्व क्या क्या ये सब पीता है खाता है, उसको मैं पचाता हूँ, भगवान पचाते हैं। वैसे तो हम लोग तो केवल खाते हैं, अब कैसे पचेगा ये हम नहीं कुछ करते हैं, है ना? पर भगवान अग्नि के रूप में हैं जो सबके भोजन को पचा देते हैं। एक बार सार्वभौम जी कह रहे थे कुछ चल रहा था भोजन, तो भक्तकान हो गया हो गया हो गया, अरे चिंता क्या करते हो, पचाने की जिम्मेवारी खुद भगवान ले रहे, खाओ खाओ खाओ। हाँ लेकिन कभी कभी नहीं पचाते हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, काम भर खाना चाहिए। हॉस्पिटल और टॉयलेट जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे देखिए वास्तव में भगवान पचा रहे हैं। हम लोग तो बाहर अग्नि पर पकाते हैं तो अग्नि भी भगवान की एक शक्ति है, भिन्न प्रकृति है,
भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वच अहंकारितियम में भिन्न प्रकृति, ये भगवान की भिन्न प्रकृति है, मतलब स्पिरिचुअल नहीं है, जड़ प्रकृति है लेकिन भगवान की है। तो अग्नि भी भगवान दे रहे तब भोजन पक रहा है, और पकाए हुए भोजन को भी हम पेट में डालते हैं तो वहाँ भी भगवान पचाते हैं, वहाँ भी पचा रहे हैं। और प्रत्येक श्लोक में देखे कहते हैं मैं पृथ्वी के भीतर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में हूँ और पृथ्वी में रह करके मैं सबको धारण कर रहा हूँ, धारण कर रहे हैं मतलब सभी टिके हुए हैं। और धारण और तरह से कि भूमि में रह करके चेतना दे करके फसल उत्पन्न करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं, सब कुछ उत्पन्न करते हैं, उसको खा खा करके सब जी रहे हैं। यदि भगवान पृथ्वी में न रहें गामा विश्व च भूतानी धारिया में हम वो जैसा, यदि वे पृथ्वी में न रहें तो एक दाना नहीं हो सकता है, कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। अच्छा, और दूसरा यदि भगवान उसमें न रहें तो इस पर कोई टिक ही नहीं सकता, खुद ही गिर जाएगी, रसातल चली जाएगी। भगवान धारण कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कई तरह पुष्णामी चौषधि सर्वा सौम्य भूतवा रसात्मक, मैं चंद्रमा के रूप में हो करके सारे वेजिटेबल साग सब्जी फल आदि को मैं पुष्ट कर रहा हूँ। उन सबको पुष्ट करने के लिए शक्ति चाहिए, चंद्रमा है तो चंद्रमा में शक्ति जो भी है भगवान की है। तो इस तरह से भगवान सबका पालन करने वाले हैं। श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान देना बहुत जरूरी है, और सब पढ़ाई लिखाई और ज्ञान जो धार्मिक संस्थाओं में भी दिया जाता है वो सब वास्तव में गोबर है बिल्कुल, उससे कुछ होगा नहीं। जहाँ कृष्ण का ज्ञान नहीं है तो जीव का कभी दुख जाएगा नहीं, कुमती जाएगी नहीं। तो आत्मविद्या शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते आत्मविद्या का अर्थ कृष्ण विद्या, कृष्ण अपने विषय में प्रवचन करके अर्जुन की कुमती का हरण किए। अब भीष्म पितामह जितना गीता का परपाठ समझे होंगे कौन समझेगा, इसको आत्मविद्या कह रहे हैं गीता के उपदेश को। गीता में सब कुछ वर्णन है, भगवान क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, और भगवान के साथ जीव का संबंध क्या है, उस संबंध के अनुसार जीव का कर्तव्य क्या है, इन सारी बातों का बहुत अच्छा से वर्णन है। भगवान की भगवत्ता का वर्णन अर्जुन के प्रश्न से ही हो रहा है, जब भगवान ने कहा कि मैं ही समस्त ऋषियों को जन्म दिया हूँ, अहम आदिर हि देवानाम महर्षि नाम च सर्वसः, मैं समस्त देवताओं का जन्मदाता हूँ, पोषक हूँ, समस्त महर्षियों का जन्मदाता मैं हूँ, ये भगवान बोले। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं ये कैसे विश्वास करूं कि आप ही सबको जन्म दिए हैं और सबका पालन कर रहे हैं, आप ईश्वर, मैं चाहता हूं कि आप हमको दिखाइए। तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया, कैसे ब्रह्मा जी नाभि से जन्म ले रहे हैं, कैसे उनके आँखों से शिव जी का जन्म हुआ, कैसे देवता सब जन्म ले रहे हैं, कैसे विश्व की सृष्टि हो रही है, कैसे प्रलय हो रहा है, और यहाँ तक कि भगवान ने अपने विराट रूप में ये दिखाया कि ये युद्ध जो होने वाला है ये हो चुका है। तुम समझते हो कि मेरे बिना युद्ध नहीं होगा, तुम रहो या ना हो ये सबको मैं मार चुका हूँ। दांतों के भीतर, बड़े बड़े दांतों के भीतर भगवान चबा चबा करके दिखा रहे थे दुर्योधन को, कर्ण को। जैसे हम लोगों के दांतों के अंदर रोटी का टुकड़ा अटकता है भात का, वैसे वीर लोग अटके थे, पीस रहे थे भगवान। इसको देख करके अर्जुन कांपने लगे, रे बाप हम क्या देख रहे हैं। तो भगवान से पूछने लगे आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, आप हमको बताइए आप कौन हैं, आप कौन हैं। वो डर गए, वो आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, सब जगह से प्रणाम कर रहे हैं, डर गए। और कहते हैं दिशो न जाने न लभे च शर्म, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किधर पूरब है किधर पश्चिम है, दिशा नहीं जानता हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, आप क्या करना चाहते हैं, कृपया क्षमा कीजिए। वो ये भूल गए कि हमारा मित्र है। भगवान के इस विराट रूप को देख करके थर 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 कांपने लगे। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, आप प्रसन्न होइए, आप कौन हैं, कौन है पहले बताइए कौन है।
जब इस तरह से पूछे कांपते हुए तो भगवान उसी पोज में कहते हैं, कालोस्मी लोक क्षय के प्रवृत्तो, मैं काल हूँ और लोगों का नाश करने पर प्रवृत्त हुआ हूँ। रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम नहीं भी लड़ोगे तो ये सब बच करके यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं मारूंगा नहीं, मार चुका हूँ, तुम निमित्त मात्र बनो, युद्ध होने वाला है, हो करके रहेगा, देखो मैं सबको मार चुका हूँ। भगवान ऐसे कहते हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साची, रीते त्वाम, तुम्हारे बिना भी ये सब नहीं रहेंगे। क्या समझते हो कि तुम मारोगे, मैं मार चुका हूँ और मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, तब कहाँ रोओगे शोक करोगे। जब मैं ही पाल रहा हूँ, मैं ही पोस रहा हूँ, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं संहार करने वाला हूँ, हमारी जो इच्छा है करूँगा। तुमको कह रहा हूँ धनुष उठाओ, धनुष उठाओ, तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं करता हूँ, मैं मारूँगा, इस तरह अज्ञान में तुम्हारे बिना भी कोई घर नहीं लौटेंगे। अब तुम जाओ, मत लड़ो। इसके बाद अर्जुन का अज्ञान बिल्कुल दूर हो गया, वो मैं अपने को कर्ता समझ रहा था। तो बाद में उन्होंने स्वीकार किया, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा, यही हमारा धर्म है, मैं समझ गया। तो इस तरह से इस भगवत गीता के द्वारा कृष्ण की महिमा समझाई गई है, स्वयं भगवान के मुख से वही बोले हैं, तो इसको आत्मविद्या कहा गया, कृष्ण विद्या। अपने विषय में भगवान ने ज्ञान दिया, बिना कृष्ण ज्ञान के अज्ञान या कुमति नहीं जाएगी। तो इस गीता जयंती के अवसर पर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि हम अवश्य गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि भगवान की योजना है। भगवान गीता को बोल करके कहे हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना होगी, जो इसको सुनेगा वो सुकृतियों के उच्चतर लोकों में जाएगा, इतना तक भगवान बोलते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि मेरे भक्तों में जो इसका प्रवचन करेगा, मद भक्तेषु अभिधास्यति, उससे बढ़ करके न मेरा कोई प्रिय हुआ है न होगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। ये चाहते हैं कि गीता का प्रचार हो, वो चाहते हैं कि गीता का प्रचार होना चाहिए, सब लोग पढ़ें। तो ये बहुत खुशी की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य इस गीता की सबसे सुंदर टीका किए हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति समझ जाता है। ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा और उनके द्वारा अपने वाणी की व्याख्या कराया। और उसके बाद भी ये बहुत खुशी की बात है कि प्रभुपाद जी को उस गीता का प्रकाशन, उसका प्रिंट और वितरण अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों द्वारा सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। यह यज्ञ है वास्तव में। भगवान ने कहा कि अगर कोई इसको पढ़ेगा तो उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना मानी जाएगी। गीता को पढ़ना ज्ञान यज्ञ है, तो पढ़ना चाहिए और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके इसका वितरण करना चाहिए। और वितरण कर के लोगों को कहना चाहिए इसको पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और गीता लेकर के पढ़ना चाहिए। भगवान हमारे हित के लिए प्रवचन किए हैं, जिसको भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन की कुमति को दूर किए, और अर्जुन के द्वारा सारे जगत की कुमति को दूर करेंगे, भगवान कर रहे हैं। वास्तव में जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े बड़े वैष्णव अथवा कोई भी आध्यात्मिक पुरुष, थोड़ी भी सी आध्यात्मिकता जिसमें आई है, वास्तव में गीता पढ़ करके ही आई है। जैसे महात्मा गांधी तो कहते हैं कि गीता मेरे लिए माँ है और मैं गीता के दूध से पला हूँ। जब हमारे जीवन में कोई निराशा आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है कि हमें क्या करना चाहिए, तो गीता पढ़ता हूँ तो कोई ना कोई आलोक मिल जाता है, कोई ना कोई श्लोक हमें बल दे देता है। लोकमान्य तिलक तो गीता को कर्म शास्त्र कहते हैं कि ये कर्म की प्रेरणा देता है। उनका गीता भाष बहुत प्रसिद्ध है, तो गीता के प्रेमी थे, पढ़ते थे। संत विनोबा जी गीता पढ़ते थे,
मतलब वर्तमान काल के जिनको लोग बड़े बड़े मनीषी समझते हैं जैसे अरविंद, ये सब गीता पढ़े और जितने भी शुद्ध वैष्णव भक्त हुए हैं ये सब गीता मृत से पले हुए हैं, गीता को मानते हैं। तो हम लोगों का ये पुनीत धर्म बनता है कि गीता जयंती के अवसर पर ऐसा संकल्प करें कि हम गीता पढ़ेंगे, गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस तरह से भगवान कृष्ण को लोक में भरेंगे। गीता पढ़कर पढ़ पढ़ करके लोग कृष्ण के भक्त बनते हैं। इस्कान में कभी कभी ये निकाला जाता है, किसी भक्त से पूछा जाता है कि आप कैसे भक्त बने, तो अपने जीवन के प्रसंग को बताता है कि मैं गीता पढ़ करके हुआ। कई भक्त ऐसे गीता पढ़ करके कृष्ण के भक्त बने और शुद्ध जीवन जीने लगे, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, ये सब है गीता पढ़ पढ़ करके लोग सीखते और भगवान कृष्ण को अपने जीवन का भाग्य विधाता मानने लगे। वो तो ईश्वर हैं ही पर अपने संबंध को गीता पढ़ करके लोग पहचानते हैं, विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी की टीका पढ़ करके। तो इसीलिए इस गीता का प्रचार होना चाहिए और बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर प्रकाशन प्रिंटिंग सब कुछ है, ये कृष्ण की दया है। उन्होंने तो प्रवचन करके केवल योजना बनाया, सोचा कि इसका प्रचार होना चाहिए, लेकिन हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से और प्रभुपाद जी के अनुगत भक्तों की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो भीष्म पितामह उस गीता के विषय में बोले हैं, इसलिए मैं यहाँ याद किया कि अपने सखा के कुमती का हरण किया गीता का उपदेश करके, यहीं पर इसी भूमि में, इस धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र में इस गीता पर प्रवचन हुआ। तो वास्तव में यह ज्ञान की भूमि है, भक्ति की भूमि है, विश्व का हित करने के लिए, अविद्या हरने के लिए, सबको ज्ञान का प्रकाश देने के लिए भूमि है। वैसे ही यह धर्म क्षेत्र है और भगवान ने इस क्षेत्र को ऐसा चुना अपने उपदेश के योग्य, यहाँ से सारे जगत में आलोक जाना चाहिए, विद्या जानी चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। Yeah.
श्रीमद् भागवतम की जय। कबलाई श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री गीता जयंती महोत्सव की जय। लेना